लास्ट टाइम चैप्टर फोर स्टार्ट किया था, लास्ट टाइम चैप्टर फोर स्टार्ट किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। हाफ लेक्चर उसका लगभग हो गया था, हाफ लेक्चर आज मौजूद है जो हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो इसके तमाम नोट्स के जो पीडीएफ हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको कॉपी कर लेना घर पे, क्योंकि मैं जस्ट समझा रहा हूँ आपको, चूँकि लिखाने का टाइम तो है नहीं। अब चीज़ें मैं इसमें डिस्क्राइब करके आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसको घर पे 3-4-5 घंटे लगा के लिख लेना खुद ही, ठीक है, या डायरेक्ट उससे याद कर लेना, आपके ऊपर है। इसका नहीं, अपने नोट्स का पीडीएफ कह रहा हूँ वो मैं भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि लिखाने में ना टाइम वेस्ट हो जाएगा, अभी चैप्टर 5 करना है, 10-11 करना है, उसमें भी टाइम नहीं मिलेगा हमें, चूँकि कम्प्लीट कोर्स करने के लिए। तो बस ये कि जो चीज़ समझने की है वो सारी मैं समझा देता हूँ आपको, टॉपिक्स जैसे लास्ट टाइम भी मैंने अच्छे खासे टॉपिक्स आपको करवा दिए थे 3 घंटे में, और आज तो 9 बजे क्लास जैसे ऑफ है, तो आज और चीज़ें भी हैं, 4 घंटे हैं, तो 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर ये इजीली, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो उतना टाइम लगता है, 33.45 आवर्स 4 आवर्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक आज का, तो सेकंड लेक्चर है ये असल में, और इंशाल्लाह आज ही मैं क्लोज़ करूँगा इसको, इस चैप्टर को, फिर 2 क्लास में चैप्टर 5 आपको, 1 क्लास में चैप्टर 5 करा दूँगा, ठीक है, तो ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था स्पीड तो टीचर पर डिपेंड करती है, किसी तरह से भी करना चाहें, क्योंकि अब टाइम नहीं है तो थोड़ा सा खींच दूँगा और हो जाएगा ख़त्म। तो लेड पिगमेंट्स का टॉपिक आज जो है वो हमारे पास मौजूद है, और ये 4A ग्रुप से हमने कार्बन के एलोट्रोप्स लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं लेड पिगमेंट्स। लेड क्या है? लेड इज़ एक्चुअली एन एलिमेंट जिसका सिंबल होता है Pb। तो लेड एक एलिमेंट है जिसका सिंबल हमारे पास Pb होता है। और पिगमेंट्स किसे कहते हैं भाई? पिगमेंट्स हर वो कंपाउंड जो पेंट को एक स्पेसिफिक कलर देता है। तो पिगमेंट इज़ एक्चुअली अ कंपाउंड हैविंग अ कलर। तो लेड पिगमेंट्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स विच आर यूज टू गिव कलर टू पेंट्स आर कॉल्ड पिगमेंट। तो वो कंपाउंड जो पेंट को कलर प्रोवाइड करते हैं उनको पिगमेंट कहा जाता है। जैसे पत्ते के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो पिगमेंट होता है, बिकॉज उसकी वजह से लीव्स को ग्रीन कलर मिलता है। इसी तरह से RBCs के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वो पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड को या रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर या लाल रंग मिलता है। तो पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स हर वो कंपाउंड जो किसी चीज़ को कलर प्रोवाइड करते हैं, और अगर उसके अंदर लेड मौजूद हो तो फिर वो लेड पिगमेंट्स हैं। तो द इम्पॉर्टेंट लेड पिगमेंट्स आर एज फॉलोस, ये शॉर्ट नोट आएगा पेपर में लेड पिगमेंट्स पर, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट लेड पिगमेंट्स हैं वो दिए गए हैं, इसमें से वाइट लेड पिगमेंट, रेड लेड पिगमेंट, क्रोम येलो पिगमेंट, क्रोम रेड पिगमेंट और टर्नर्स येलो पिगमेंट। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ पिगमेंट। ये वाइट कलर का है, ये रेड कलर का है, फिर थर्ड वाला येलो है, फोर्थ वाला फिर रेड है, और फिफ्थ वाला येलो है। तो 2 रेड पिगमेंट है, 2 येलो पिगमेंट है और 1 वाइट पिगमेंट है, ठीक है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करना होता है यहाँ पर, चूँकि जाहिर सी बात है शॉर्ट नोट है, तो तमाम को डिस्कस करना होगा। वाइट लाइट पिगमेंट्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, रेड लाइट पिगमेंट की कैसे की जाती है, क्रोम येलो पिगमेंट की कैसे की जाती है, क्रोम रेड पिगमेंट की किस तरह की जाती है, और टर्नर्स येलो पिगमेंट की कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन बता देनी लाइट पिगमेंट की, आफ्टर दैट क्या करना है आपको उसके नेम लिखने के, लाइट पिगमेंट कितने हैं। तो 5 तरह के हैं, 5 नाम लिखकर एक एक करके हेडिंग डाल के आपको सारे पिगमेंट को डिफाइन कर देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सवाल पेपर में अटैम्प्ट कर आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि सेक्शन बी में और चीज़ें हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो शॉर्ट नोट्स है, वही चीज़ें सिर्फ रह गई हैं जो आप छोड़ सकते हैं पेपर में, लेकिन जाहिर सी बात है कोर्स कंप्लीट करने का मतलब चॉइसेस को कराना भी है, तो वो सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहला हमारे पास है दैट इज़ वाइट लेड पिगमेंट। इसी को हम लोग बेसिक लेड कार्बोनेट भी कहते हैं, ये वाइट कलर का होता है, इसी को बेसिक लेड कार्बोनेट कहा जाता है। क्यों? बिकॉज देखिए ये लेड कार्बोनेट होता है, PbCO3 दैट इज़ लेड कार्बोनेट, और उसके साथ लेड का एक बेस मौजूद होता है लेड हाइड्रोक्साइड, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बेसिक लेड कार्बोनेट, बिकॉज विद लेड कार्बोनेट देर इज़ द बेस ऑफ लेड, और बेस आपको पता है जिसमें हाइड्रोक्साइड साइन होता है वो बेस होता है। ये पूरा फॉर्मूला 2PbCO3.PbOH2, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाइट लेड पिगमेंट। फॉर्मूला अलग से भी लिखने के लिए सवाल में आता है कि भाई इसका फॉर्मूला बताइए, इसका फॉर्मूला बताइए। तो ये बेसिक
लेड कार्बोनेट रेड वाइट लेड पिगमेंट को कहा जाता है, उसका फॉर्मूला ये है एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय पासिंग CO2 इनटू द सस्पेंशन ऑफ लेड ऑक्साइड इन वाटर कंटेनिंग लिटिल अमाउंट ऑफ लेड एसिटेट। किस तरह से वाइट लेड पिगमेंट को बनाया जाता है कि हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे PbO2 दैट इज़ लेड ऑक्साइड, ये हमारे पास है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का रिएक्शन कराया जाएगा CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस लेड एसिटेट, और ये हमारे पास लेड और दिस इज एसीटेट, तो लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन किया जाएगा। इस केस में क्या होगा, लेड कार्बोनेट से मिलेगा तो PbCO3 और एक लेड, ये जो वाटर है ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस और OH माइनस में, और एक लेड इस OH से मिल जाएगा तो लेड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड, तो ये बन गया बेसिक लेड कार्बोनेट वाइट लेड पिगमेंट। और साथ में जो CH3CW है ये X से जुड़ जाएगा चूँकि ये माइनस चार्ज है, तो एसिटिक एसिड हमारे पास बन जाएगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ना PB वाला, ये ऑक्सीजन आपका अलग से रिमूव हो जाएगा। तो काफ़ी लंबी इक्वेशन है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास बेसिक लेड कार्बोनेट बना, एसिटिक एसिड और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। ये एक तरीका है हमारे पास वाइट लेड पिगमेंट को इंडस्ट्रीज में बनाने का। रिएक्शंस आपको लाजमी याद करने पड़ेंगे, बिना रिएक्शंस के आपको नंबर नहीं मिलता किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। इट गेट्स डार्केंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पी, अच्छा डिफेक्ट क्या है इसका, नॉर्मली वाइट लेड पिगमेंट को सवाल नहीं किया जाता सफ़ेद कलर को बनाने में। अब रीज़न क्या है, दो रीजन्स हैं। इट गेट्स डार्केंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PbS विद एटमोस्फेरिक H2S। अब वाइट कलर जो है ना वो ख़राब हो जाता है, ब्लैकन हो जाता है, ब्लैकन से मुराद वो काला पड़ना शुरू हो जाता है, वो ब्लैकनेस उसके अंदर आने शुरू हो जाती है। वजह क्या है, क्योंकि हवा के अंदर ना H2S गैस भी होती है, एयर में थोड़ी सी मिकदार में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, जब ये लेड से रिएक्शन करती है ना बच्चों, तो लेड से रिएक्शन करके ये क्या बना लेती है, ये बना लेती है PbS, और PbS जो है ना एक ब्लैक कलर का कंपाउंड है, लेड सल्फाइड इसको हम कहते हैं। तो क्या होता है कि लेड सल्फाइड की वजह से जो वाइट कलर है ना वो ब्लैक लगना शुरू हो जाता है, इसलिए जो सस्ते पेंट होता है ना वाइट कलर है वो कुछ दिनों के बाद ब्लैकिश शेड आना उनके अंदर शुरू हो जाता है, वो काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। वजह क्या है, चूँकि H2S उस लेड के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फाइड बन लेता है, यही वजह थी कि H2S के हमने जो है ना वो वाइट लेड पिगमेंट का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया, अब इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इट इज़ ऑल्सो पॉइजनस, ये टॉक्सिक भी होता है पॉइजनस भी होता है, चूँकि आपको मैंने बताया था जो लेड होता है लेड इज़ टॉक्सिक इन नेचर, लेड जो है टॉक्सिक नेचर का है, तो हैंस इन रिसेंट ईयर्स वाइट लेड पिगमेंट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड दैट इज़ TiO2। तो आजकल हम क्या करते हैं भाई, लेड ऑक्साइड की जगह पर टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 इसको हम इस्तेमाल करते हैं इन द प्लेस ऑफ बेसिक लेड कार्बोनेट। तो वाइट लेड पिगमेंट की जगह पर अब हम वाइट लेड पिगमेंट के साथ दो डिफेक्ट्स थे, पहला डिफेक्ट तो ये कि ये काला पड़ जाता था H2S से रिएक्शन करके PbS की फॉर्मेशन की वजह से, और दूसरा डिफेक्ट ये कि टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है ये, जिसकी वजह से अगर मतलब जाहिर सी बात है उसको अगर कोई बच्चे छोटे बच्चे वगैरह होते हैं वो कभी कभार वो पेंट वगैरह को वो टेस्ट कर लेते हैं या उसको लिक कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उसकी वजह से वो टॉक्सिसिटी फैल सकती है उनकी बॉडी में। तो क्या किया गया है, वाइट लेड पिगमेंट के बजाय अब हम उससे एक बेहतर पिगमेंट इस्तेमाल करते हैं TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, जो कि वाइट कलर देता है पेंट को, समझ में आ गई बात। ये पहले पिगमेंट हमारे पास जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, दिस इज़ कॉल्ड वाइट लेड पिगमेंट। तो मसला समझ में आ गया सबको चीज़ें, तो एक प्रिपरेशन याद रखिएगा और साथ में ये याद कर लें कि उसको बैंड क्यों कर दिया गया, उसको ख़त्म क्यों कर दिया गया, अब इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता वाइट लेड पिगमेंट को। कुछ क्वेश्चन को समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं। स्लाइड में कोई मसला है तो पूछ लें साथ साथ रोक कर, रिकॉर्डिंग चल रही है वैसे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर घर जाकर आप आराम से दोबारा से एक बार और देख लेना। लास्ट टाइम भी लाइट पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर वन जो 2.5 घंटे का था वो मैंने अगले दिन अपलोड कर दिया था, 2.5-3 घंटे का लेक्चर था वो भी, आज भी 3-3.5 घंटे का लेक्चर होने वाला है तो वो भी अपलोड हो जाएगा पूरा, चूँकि दैट्स द बात। इतना सब कुछ अभी तो आप 1-1.5-2 घंटे तक समझ लेंगे, शायद 2-2.5 घंटे के बाद आप सोना शुरू कर दें, तो आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप घर पर देख लेना, जो थोड़ा लेजीनेस वाली जो चीज़ है ना वो घर पे देख लेना, ठीक। पढ़ना तो है चुके, टाइम भी नहीं अब ख़त्म भी करना है। ओके, उसके बाद सेकंड हमारे पास है रेड लेड पिगमेंट। रेड लेड पिगमेंट सिंपल सी बात है, रेड कलर का होगा, लाल रंग का होगा, रेड कलर देगा पेंट को ये। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं संदूर,
या सिंदूर कहते हैं ना, फिल्मों में देखा होगा आपने बॉलीवुड की, है ना, वो माथे पर लगाती हैं हिंदू औरतें सिंदूर, तो सिंदूर जो होता है वो भी रेडिश टाइप का होता है, एक पाउडर होता है, देखा होगा फिल्मों में, मूवीज वगैरह में दिखाते हैं इंडियन बॉलीवुड की खास तौर पे। तो संदूर जो होता है ना वो रेड लाइट पिगमेंट कहलाता है केमिस्ट्री में। इसका फॉर्मूला होता है PB3O4। PB3O4 फार्मूला है संदूर का। इसी को हम ये भी कह सकते हैं ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, क्योंकि तीन लेड है और चार ऑक्सीजन है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, ये भी इसका नाम है। और लेड सेस्क्यू ऑक्साइड भी इसको हम कह सकते हैं, लेड सेस्क्यू ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो बड़ी डिफरेंट आ रही है, डबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। PB3O4 का अगर फुल ओपन करें तो PbO PbO2, यहाँ पर लेड प्लस टू है और यहाँ पर लेड प्लस फोर है। तो PB3O4 में अगर हम देखें इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्लस टू भी है प्लस फोर भी लेड का आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेस्क्यू ऑक्साइड। तो लेड सेस्क्यू ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड भी कह सकते हैं, संदूर भी कह सकते हैं, रेड लाइट पिगमेंट भी कह सकते हैं, PB3O4 भी कह सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं 2PbO.PbO2, क्योंकि मिला देंगे जब इसको तो PB3O4 ही बनेगा, ठीक है। तो असल में ये दो अलग अलग कंपाउंड्स का मिक्सचर है, अगर मिक्स करके फॉर्मूला लिखेंगे तो PB3O4। ये तो फॉर्मूले की बात होगी, संदूर का फॉर्मूला क्या होता है, जो माथे पे संदूर लगाते हैं औरतें हिंदू की शादीशुदा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, PB3O4, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, सिंपल मेथड है, आप PbO हमारे पास लेड ऑक्साइड नहीं कहलाएगा, इट इज़ कॉल्ड लेड मोनोऑक्साइड, इसको लेड मोनोऑक्साइड कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लिथार्ज, इसी को लिथार्ज कहा जाता है, लिथार्ज कहा जाता है, और इसी को उर्दू में हम लोग कहते हैं मुर्दा संग। एक पत्थर होता है ये लेड मोनोऑक्साइड, रेड टाइप का होता है ये हल्का सा, रेड मोनोऑक्साइड या लिथार्ज जिसको हम कहते हैं, मुर्दा संग। इस पत्थर की यह प्रॉपर्टी होती है कि यह पानी में डूबता नहीं है, यह पानी के ऊपर तैरता रहता है। नॉर्मली दुनिया के जितने भी पत्थर है ना, पानी में फेंकोगे तो पानी के अंदर चले जाएंगे, बट लेड मोनोऑक्साइड या लिथार्ज ये वाहिद स्टोन है जिसको आप पानी में फेंकेंगे तो पानी के ऊपर आ जाएगा ये, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, और जिस चीज़ की डेंसिटी पानी से कम होती है वो बुयंसी की वजह से पानी के ऊपर तैरता रहता है, फिजिक्स यही कहती है हमसे, ठीक है। तो ये लिथार्ज स्टोन जो है ना PbO, ये हमें चाहिए होगा, ठीक है। लिथार्ज जिसको हम कहते हैं लेड मोनोऑक्साइड, इसका एक पॉलीमॉर्फ होता है मेसिकॉट, मेसिकॉट ये नहीं है, मेसिकॉट जो होता है ना मेसिकॉट वो येलो कलर का होता है, मेसिकॉट, तो मेसिकॉट येलो टाइप का होता है, ये इसका पॉलीमॉर्फ है, पॉलीमॉर्फिज्म बताया था ना डिफरेंट क्रिस्टलाइजेशन अरेंजमेंट में, तो मैं लिथार्ज की बात कर रहा हूँ, मैं मेसिकॉट की बात नहीं कर रहा, यहाँ से मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, मेसिकॉट अलग चीज़ है। तो जब हम लिथार्ज को हवा की मौजूदगी में हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म करेंगे, तो PbO जब ऑटोसी रिएक्शन करेगा तो PB3O4 बन जाएगा, रेड लेड ऑक्साइड या संदूर बन जाएगा, सिंपल है। तो बड़ी आसान इक्वेशन है, केवल लिथार्ज लें, PbO लेड मोनोऑक्साइड, और हाई टेम्परेचर पर हवा की मौजूदगी में हीट कर दें, कम्बस्टन करवा दें, जब ये जलेगा, जलने के बाद ये रेड लाइट पिगमेंट बन जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया सबको। उसका ज़्यादा नहीं, एक ही प्रिपरेशन देखें, सिर्फ बता रहा हूँ, एक प्रिपरेशन याद रखें। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है क्रोम येलो पिगमेंट, क्रोम येलो पिगमेंट किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा, ये पीले रंग का ये पेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, इसी को क्रोसाइट कहा जाता है, इसी को लेड क्रोमेट कहते हैं, लेड क्रोमेट कहते हैं, तभी फॉर्मूला PbCrO4 बन गया यहाँ पर, लेड क्रोमेट भी इसी को कहते हैं, क्रोसाइट भी इसी को कहते हैं, क्रोम येलो पिगमेंट। दो तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, बड़ा सिंपल मेथड है, दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट है, पहला तो लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम क्रोमेट के साथ अगर आप कर दें तो बन जाएगा, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम क्रोमेट के साथ, तो देखिए ये PbCrO4 बना और ये KNO3 बना, लेड क्रोमेट बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। तो लेड क्रोमेट बन गया आपके येलो कलर का। एक और तरीका हो सकता है कि अगर आप इस पोटेशियम क्रोमेट के साथ लेड एसीटेट का रिएक्शन करा दो, लेड एसीटेट का करा दो, तो सेम वही PbCrO4 बनेगा और CH3COOH, मतलब पोटेशियम एसीटेट बन जाएगा। तो दो इस सूरत में भी आप देख सकते हैं, दोनों केसेस में हमारे पास लेड क्रोमेट या
क्रोम येलो पिगमेंट की फॉर्मेशन हो रही है। तो दो तरह से हो सकता है, बड़ा बेसिक रिएक्शन है, दोनों में पोटेशियम क्रोमेट इस्तेमाल कर रहे हैं, बट एक में रिएक्शन कर रहे हैं लेड नाइट्रेट के साथ और दूसरे में रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम, लेड एसीटेट के साथ। क्लियर है, बस हो गया, मतलब और कुछ नहीं, सिंपल बस नाम याद करें और दो इक्वेशन याद कर लें इसकी। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सिंपल इक्वेशन है, डायरेक्टली बन गए को मसला, समझ में आ रहा है सबको। तीसरा पिगमेंट था ये क्रोम येलो पिगमेंट, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है क्रोम रेड पिगमेंट। क्रोम रेड पिगमेंट ये भी रेड कलर का, और रेड कलर के दो पिगमेंट हैं, एक तो हमने संदूर पढ़ लिया रेड लाइट पिगमेंट और एक क्रोम रेड पिगमेंट। क्रोम रेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं क्रोमियम होगा, Cr, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड क्रोम रेड पिगमेंट। इसको बेसिक लेड क्रोमेट भी कहा जा सकता है, जो लेड क्रोमेट के साथ उसका बेसिक ऑक्साइड मौजूद होता है। देखो PbCr4 लेड क्रोमेट तो है ही, उस लेड क्रोमेट के साथ इसका बेसिक ऑक्साइड PbO, तो PbO.PbCr4 ये हमारे पास कहलाता है क्रोम येलो पिगमेंट, सॉरी क्रोम रेड पिगमेंट। तो इसको मिलाकर लिखेंगे तो Pb2 और CrO और ऑक्सीजन 4 और 1 5, Pb2CrO5 भी लिख सकते हैं इसको। देखो सिर्फ PbCr4 होगा तो येलो कलर का होता है ये, उसके साथ PbO भी मिल जाए तो ये रेड क्रोम रेड पिगमेंट बन जाता है। क्रोम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में क्रोमियम मिल रहा है आपको, दैट्स व्हाई। कैसे बनेगा भाई, लेड क्रोमेट के रिएक्शन NOH से करा दे तो बन जाएगा। ये लेड क्रोमेट है, इसका NOH से रिएक्शन किया तो सोडियम क्रोमेट बना और साथ में PbCr4 कन्वर्ट हुआ Pb2CrO5 में, और ये OH जो है वाटर की सूरत में रिलीज हो गया। तो सोडियम क्रोमेट बना, लेड क्रोमेट बना और साथ में वाटर रिलीज हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसकी फॉर्मेशन हो गई भाई, क्रोम रेड पिगमेंट की, जो हमारा बेसिक लेड क्रोमेट है। बस सिंपल याद करने को ज़्यादा चीज़ें नहीं, क्रोम रेड पिगमेंट बेसिक लेड क्रोमेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है Pb2CrO5। कैसे बनेगा क्रोम येलो पिगमेंट जो है आपका लेड क्रोमेट, क्रोम येलो पिगमेंट उसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NOH से कराएंगे। तो आपका सॉल्यूशन वैसा तो पहले येलो होगा, ये येलो से ये रेड हो जाएगा, क्योंकि रेड कलर का होता है क्रोम रेड पिगमेंट। बात समझ में आ गई, क्लियर है तो मसला। ठीक है, आखिरी इसके बाद पांचवा जस्ट हमारे पास है टर्नर्स येलो पिगमेंट, बस पांच है। नॉर्मली बच्चे छोड़ देते हैं, लेड पिगमेंट नहीं करते ना, मैं इसको सजेस्ट करता हूँ पेपर में आप इसको कहें, क्योंकि फॉर्मूले है ना, इतने सारे फॉर्मूले आप नहीं याद रख पाएंगे, मतलब इससे बेहतर है कोई आसान सवाल हम कर लें। लेकिन मेरा मकसद है पढ़ाना, तो मैं पढ़ा तो सारा रहा हूँ आपको, कि MCQs वगैरह कहीं पर फंसे नहीं, एक भी, चूँकि 40% MCQs के, वो सारा का सारा निकल जाए। MCQs की नीयत से तो सारा पढ़ना पड़ जाता है, लेकिन बाकी तो आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, ऐसा मसला नहीं। टर्नर्स येलो पिगमेंट, ये भी येलो कलर का, येलो कलर के दो पिगमेंट हो गए अब हमारे पास, क्रोम येलो PbCr4 और एक हमारे पास ये टर्नर्स येलो पिगमेंट। टर्नर साइंटिस्ट का नाम था, तो येलो कलर का होता है तो टर्नर्स येलो पिगमेंट। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है PbCl2.4PbO। इसको हम ये भी कह सकते हैं बेसिक लेड क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको, दिस कैन बी ऑल्सो सेड बेसिक लेड क्लोराइड। क्यों भाई, चूंकि यहाँ पर लेड क्लोराइड है PbCl2 और इसका एक बेस मौजूद है, बेसिक ऑक्साइड मौजूद है लेड का PbO, तो बेसिक लेड क्लोराइड PbCl2.4PbO, ये फॉर्मूला हमारे पास है टर्नर्स येलो पिगमेंट का। तो देखो पांच पिगमेंट हैं, उन पांचों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, ये चीज़ आप देख लें जरा, ठीक है। क्योंकि हमने देखा अभी कि व्हाइट लेड पिगमेंट का फॉर्मूला 2PbCO3.PbOH2, दिस इज व्हाइट लेड पिगमेंट। अच्छा, रेड लेड पिगमेंट का क्या देखा, Pb3O4। क्रोम येलो पिगमेंट का क्या देखा, PbCrO4। क्रोम रेड पिगमेंट का क्या देखा, Pb2CrO5। क्रोम येलो पिगमेंट, टर्नर्स येलो पिगमेंट का क्या है, PbCl2.4PbO। तो ये पांच है फॉर्मूले, तो बस ये पांच ही याद कर लेंगे तो फॉर्मूले तो निकल ही जाएंगे कम से कम, क्योंकि मैं सबके साथ लिख रहा हूँ, तो इतने मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, फॉर्मूले याद हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिक लेड क्लोराइड, कैसे बनाया जाएगा, लिथार्ज को NaCl के साथ बॉईल करके। अभी लिथार्ज मुर्दा संघ जो मैं बता रहा था आपको, जो पानी में नहीं डूबता, अभी लिथार्ज को जलाकर हमने क्या बनाया था, रेड लाइट पिगमेंट, संदूर बनाया था ना संदूर, इसी लिथार्ज को अगर आप NaCl से रिएक्शन करा दें, एक्वस NaCl से, तो आपका बन जाता है टर्नर्स येलो पिगमेंट। तो देखो PbO है लिथार्ज, दिस इज लिथार्ज, इसका रिएक्शन H2NaCl के साथ होगा, तो NaO, तो H+ और OH- से ब्रेक कर दो तो ये तो NaOH बन गया,
फिर PBCL से मिलेगा PBCL2, और फिर एक जो है वो PB ऑक्सीजन से मिलेगा तो PBO। तो Na, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PBCL2.4PBO ये हमारे पास बन रहा है, जो क्या है, टर्नर्स येलो पिगमेंट है। तो सिंपल याद कर लें, टर्नर्स येलो पिगमेंट का फॉर्मूला याद कर लें, और कैसे बनाएंगे, लिथार्ज करेक्शन जब NaCl से कराएंगे एक्वस, तो फिर आपका टर्नर्स येलो पिगमेंट बनेगा और साथ में NaOH रिलीज होगा। ठीक है, ये पांच तरह के हो गए, ये लेड पिगमेंट का टॉपिक खत्म हो गया। लेड का बस यही था जो डिस्कस करना था आपको चैप्टर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो मसला समझ में आ गया, तो बस इसको याद करना है कुछ रिएक्शंस को, घर जाकर उसको ठीक से। अच्छा बच्चों, तो नाइट्रिक एसिड की डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्रुप 5 के अंदर नाइट्रोजन एक एलिमेंट होता है, उसका सबसे मशहूर कंपाउंड नाइट्रिक एसिड, सबने सुना हुआ है, किरण हर पूरी क्लास में सुना हुआ है। HNO3 इसका फॉर्मूला होता है, उर्दू में कहते हैं शोरे का तेजाब, उर्दू नाम मैटर नहीं करता, मेन चीज़ इंग्लिश में याद करना है। इसको हम HNO3 फॉर्मूला है और नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप जानते हैं तीनों एसिड्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। और मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड से क्या मुराद हो गई, इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी होगी, 1 होगी। बेसिसिटी 1 से मुराद कि एक एच प्लस दे सकता है, सिंपल सी बात है ना बच्चों, नाइट्रिक एसिड ये रहा ना फार्मूला, एक एच प्लस दे सकता है ये अपना, जो एक एच प्लस दे सकता है वो मोनोबेसिक एसिड, ये MCQs में आएगा बेसिसिटी। और सल्फ्यूरिक एसिड का पूछ लेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी हमें 2 बतानी पड़ेगी, क्योंकि 2 एच प्लस दे सकता है ये, दैट्स वाई। और इसको डिस्कवर किसने किया था, जाबिर इब्न हयान ने इसको डिस्कवर किया था। जाबिर इब्न हयान आप जानते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, 9 में पढ़ा होगा इनके बारे में, जाबिर इब्न हयान के बारे में। इट वॉज द फर्स्ट एसिड टू बी डिस्कवर्ड, और दुनिया का पहला एसिड जो डिस्कवर हुआ था वो सल्फ्यूरिक, वो नाइट्रिक एसिड ही था, सबसे पहले ये एसिड डिस्कवर हो, उसके बाद सारे एसिड डिस्कवर हुए। क्योंकि जाबिर इब्न हयान ने 2 एसिड डिस्कवर किया था, पहले नाइट्रिक एसिड किया था, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड किया था, ये दोनों एसिड को डिस्कवर करने का काम जाबिर इब्न हयान जो मुसलमान साइंसदान है उनका है। और फर्स्ट एसिड था जो डिस्कवर हुआ, और उसका नाम उस वक्त क्या रखा गया था, एक्वा फोर्टिस, लैटिन में, लातिनी जबान में उसका नाम होता है एक्वा फोर्टिस, 2 वर्ड से निकला है, एक्वा मतलब होता है वाटर और फोर्टिस के मतलब होते हैं स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग वाटर, स्ट्रॉन्ग मतलब तेज और वाटर के मतलब होते हैं आब, इन दोनों को मिला दें अगर आप तो तेज आब बन जाएगा, तेजाब बन जाएगा, तो तेजाब का वर्ड भी यहीं से आया, स्ट्रॉन्ग वाटर से आया, ऐसा पानी जिसकी तासीर बहुत तेज़ है, जो आपके हाथों को जला दे, तो वो इसलिए नाइट्रिक एसिड का पुराना नाम याद रखिएगा, MCQ में पूछ सकते हैं एक्वा फोर्टिस, ठीक है, ओल्ड नेम ऑफ नाइट्रिक एसिड। दिस एसिड कैन बी डिजॉल्व इन सिल्वर बट नॉट गोल्ड, नाइट्रिक एसिड के बारे में इंपॉर्टेंट बात, लगभग हर मेटल को डिजॉल्व कर लेती है, यहाँ तक कि सिल्वर को भी, सिल्वर के साथ भी जब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होगा तो सिल्वर नाइट्रेट बना लेगा ये, मतलब सिल्वर की सॉलिबिलिटी हो जाएगी नाइट्रिक एसिड के अंदर। सिर्फ जो गोल्ड है ना, ये जो गोल्ड को नाइट्रिक एसिड जो है वो डिसॉल्व नहीं कर पाता, HCl भी नहीं कर पाता, नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर कर पाता है, इसको एक्वा रिजिया कहते हैं, ठीक है, एक्वा रिजिया कर पाता है, वो एक्वा रिजिया का टॉपिक आगे आएगा तो समझाऊंगा आपको, लेकिन नाइट्रिक एसिड में तो गोल्ड डिसॉल्व नहीं होता, सिल्वर हो जाता है, गोल्ड नहीं होता। तो दिस एसिड कैन डिसॉल्व सिल्वर इन इट बट नॉट गोल्ड, तो ये एसिड अपने अंदर हल कर सकता है चांदी को, लेकिन सोने को नहीं, गोल्ड को नहीं, सही है। ये तो ऐसे इंट्रोडक्शन दिया मैंने, अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन, जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आपके पास, ओसवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल्ड, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस आएगा या तो नाइट्रिक एसिड आएगा, दो में से कोई एक एसिड आएगा। देखो बच्चों, नाइट्रिक एसिड को इंडस्ट्रीज में अच्छा, ये जो है इसमें वर्डिंग्स नहीं है फिलहाल ना, ये जस्ट मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ ना, ये स्लाइड समझाने के लिए, एप्टीट्यूड लेवल में तो डायरेक्ट ऐसे काम आ जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर में ये ऐसे काम नहीं आएगा आपको, उसके लिए फिर मैं PDF नोट्स दूंगा, उससे लिखना है, उसमें इसकी वर्डिंग्स भी होती हैं, वर्डिंग्स में लिखाता हूँ ना मैं, दिस इज दैट इज करके, मतलब प्रोसेस वगैरह लिखाता हूँ ना, तो यहाँ वर्डिंग आपको नहीं, ये वर्डिंग्स नहीं है, वर्डिंग्स आपको अलग से नोट्स से लिखनी पड़ती हैं, वो नोट्स का PDF मैं आपको भेजूंगा, आप वहाँ से लिखोगे, समझ गए, ये समझने के लिए तो ये स्लाइड काम आ जाएगी, बट याद करने के लिए स्लाइड काम नहीं आएगी, तो इतना छोटा थोड़ी ना लिखोगे आप लॉन्ग क्वेश्चन में,
आपको कॉपी तो भरनी है ना भाई, सिंपल सी बात है। तो ये सब समझने के लिए, ठीक है, बाकी डायग्राम आप बना सकते हैं यहाँ से, डायग्राम ईजी है, ठीक है। तो देखो इंडस्ट्री में नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाया जाएगा, इंडस्ट्री में नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसका नाम होता है हमारे पास है ओसवाल्ड प्रोसेस या ओसवाल्ड मेथड। साइंटिस्ट का नाम था ओसवाल्ड, बहुत मशहूर प्रोसेस है ओसवाल्ड प्रोसेस। तीन स्टेप होता है इसके अंदर, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। तीन स्टेप में नाइट्रिक एसिड बन जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया गैस की हम ऑक्सीडेशन करते हैं, कहाँ पर करते हैं, ये पहला चेंबर हमारे पास होता है, इसको कन्वर्टर कहते हैं, जिसको कैटालिटिक कन्वर्टर कहा जाता है। देखो फर्स्ट चेंबर दिख रहा होगा आपको, ये कैटालिटिक कन्वर्टर कहलाता है। इसके अंदर प्लैटिनम गॉज, प्लैटिनम गॉज, गॉज मतलब क्या होता है, जाली, प्लैटिनम की जाली लगी हुई होती है इसके अंदर। और ये जो प्लैटिनम गॉज होता है असल में ये किस तरह बिहेव करता है, यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है। यहाँ प्लैटिनम गॉज लगा होता है, प्लैटिनम की जाली लगी होती है इस कन्वर्टर के अंदर, और यहाँ से हम डालते हैं अमोनिया गैस और ऑक्सीजन गैस, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। अमोनिया और ऑक्सीजन का साथ में रिएक्शन हो जाता है और दोनों साथ में प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर पर, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और क्या बनाते हैं, एनओ गैस बनती है और वाटर रिलीज हो जाता है। एनओ गैस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस भी इसको हम कह सकते हैं। तो देखो बच्चों ये एनओ गैस यहाँ से बनकर आगे बढ़ गई, और उसके बाद आगे सेकंड स्टेप पे जाएगी। सेकंड स्टेप में क्या होता है, एनओ की एनओ टू में कन्वर्जन करते हैं, मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और उसके लिए यहाँ पर ये हमारे पास कहलाता है ऑक्सीडेशन चेंबर, ऑक्सीडेशन करनी है ना भाई, एनओ में एक ऑक्सीजन ऐड करना है। आप सब जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो एनओ में फर्दर मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ऐड किया जाएगा। एनओ में जब ओ2 ऐड होगा तो ये बन जाएगा एनओ2, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, फिर इसको और आगे भेज देंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन एनओ2, एनओ2 में वाटर का रिएक्शन कराएंगे, पानी का रिएक्शन कराएंगे। तो ये थर्ड टावर हमारे पास है, इसको क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होगा बच्चों, कि यहाँ पर ऊपर से पानी, वाटर टैंक है, पानी का शावर आपको दिख रहा है, पानी की शावरिंग की जा रही है यहाँ से, और इसके अंदर क्वार्ट्स पीसेस लगे हुए हैं, एसिड कैटलाइज्ड क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्या यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों, यहाँ पर क्वार्ट्स एज एन इनहिबिटर इस्तेमाल किया जा रहा है। इनहिबिटर मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि NO2 जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, बहुत वायलेंट और बहुत फास्ट रिएक्शन हो सकता है, जिससे एक्सप्लोजन और धमाका हो सकता है। तो इसको रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, क्वार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। क्वार्ट्स पत्थर होते हैं छोटे छोटे, क्वार्ट्स पीसेस क्या करते हैं, इस रिएक्शन को स्लो करते हैं। तो स्लो स्लो क्या होता है कि ये NO2 पानी के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बनाना शुरू कर देता है। फिर ये नाइट्रिक एसिड जो बनता है उसको हम यहाँ से HNO3 को बाहर निकाल लेते हैं, और साथ में इसमें NO वेस्ट गैस की सूरत में भरती है, और NO मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो वेस्ट गैस है, मतलब फजूल गैसेज हैं, जो फजूल गैसेज हैं वो बाहर निकल जाती हैं, जो वेस्ट गैसेज हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास हो जाती है। तो देखो बेसिक तीन मेथड है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले कैटालिटिक कन्वर्टर, उसमें क्या हो रहा है, प्लैटिनम गॉज लगी है, अमोनिया और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया, एनओ गैस बन रही है। सेकंड स्टेप पे एनओ की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या बन जा रहा है, एनओ2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्ड स्टेप में एनओ2 में पानी डालना है एब्जॉर्प्शन टावर में, क्वार्ट्स पीसेस की मौजूदगी में, इससे एनओ2 जब पानी के साथ रिएक्शन करे तो नाइट्रिक एसिड बन जा रहा है, और जो एनओ एक्स्ट्रा गैस जो बच रही है वेस्ट गैस की सूरत में ऊपर से वो एस्केप हो जा रही है, मतलब उसको डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। समझ में आ गया सबको, ये है ओसवाल्ड प्रोसेस। अब इसी को रट लेना है घर जाके, सही से याद कर लेना, पर प्रोसेस तो इससे ज़्यादा नहीं है, यही हो रहा है। बात समझ में आ रही है सबको क्या हो रहा है इसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, सेक्शन सी में आएगा, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड जो इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होगा वो कितने परसेंट कंसनट्रेटेड होता है बच्चों, 68% कंसनट्रेटेड, 68% प्योर होगा, 100% प्योर नहीं होगा। इट इज़ फर्दर प्योरीफाइड बाय पासिंग वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड ओवर सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसकी फर्दर प्योरीफिकेशन करनी है ना, ये अभी हमारे पास नाइट्रिक एसिड 68% है और हम चाहते हैं इसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाए, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड किया हुआ है ना, तो थोड़ा पानी मौजूद है इसके अंदर, तो डाइल्यूट है ये, 68% कंसनट्रेटेड है। तो इसे पानी रिमूव करने के लिए आपको पता है हमें क्या चाहिए होगा, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और आप सब जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एक ड्राइंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर रिमूविंग कैपेबिलिटीज़ हैं इसके अंदर, वाटर रिमूविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर। तो जब हम इसके वेपर्स को, नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से पास करते हैं,
तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, 68% से ऊपर चली जाती है, 90 और 98% तक भी पहुँच सकती है। तो ये ऐसी एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि नाइट्रिक एसिड बन तो गया है, लेकिन अगर आप इसकी प्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड से उसके वेपर्स को पास करवा दें। बात समझ में आ गई? सब क्लियर है? ये कंप्लीट स्लाइड, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, एक स्लाइड पूरा ओवरऑल ओसवाल्ड मेथड, डिफरेंट कॉलेज के पेपर में आया हुआ भी है। ठीक, मसला इसमें ठीक है, ओके। तो अब देख लें, अब बाकी छोटी छोटी बातें, अब एमसीक्यूज पॉइंट आ गए सारे। लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा दोबारा मैं बता दूंगा कि अभी लॉन्ग, अब लॉन्ग खत्म हो गया, अब शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज चल रहे हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड हमारे पास कलरलेस होता है, ये कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड है, कलर इसका कोई नहीं होता और फ्यूमिंग लिक्विड है। इसके अंदर से NO2 गैस के फ्यूम्स निकलते हैं, धुआं निकलता है, फ्यूम्स अंदर धुआं निकल रहा होता है NO2 गैस का विथ चोकिंग स्मेल, और उस फ्यूम जो धुआं होता है उसकी जो स्मेल होती है वो चोकिंग होती है। चोकिंग मतलब दम घुटने वाली, दम घुटने वाली मतलब ज़्यादा देर तक आप उसको सूंघेंगे तो आपका दम घुट जाएगा, तो चोकिंग स्मेल होती है, एंड अ सावर टेस्ट एंड अ सॉर टेस्ट, और एक खट्टा टेस्ट होता है उसका, चूँकि एसिड्स जो होते हैं उनका टेस्ट खट्टा ही होता है, चूँकि एसिड जो वर्ड है वो एसिडस से निकला है ना, एसिड का वर्ड आया ही एसिडस से है, और एसिडस के क्या मतलब होते हैं, एसिडस के मतलब होते हैं सावर या खट्टा, तो खट्टे टेस्ट का होता है ये सावर टेस्ट का, हर एसिड ही खट्टे टेस्ट का होता है, चूँकि एसिडस का मतलब ही होता है खट्टा इन ग्रीक लैंग्वेज। बॉइलिंग पॉइंट इसकी याद रख लें 83 डिग्री सेंटीग्रेड, एमसीक्यूज पॉइंट है, 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है ये। और नाइट्रिक एसिड मार्केट में दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, 68% प्योर जो डायरेक्टली निकल रहा है ओसवाल्ड मेथड से, और एक बार जब उसको उसे वाटर रिमूव करके 98% प्योर। तो ये डायल्यूट है, ये कंसनट्रेटेड है, तो जो डायल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है उसकी डेंसिटी 1.4 ग्राम पर लीटर होती है, और जो कंसनट्रेट होता है उसकी डेंसिटी और ज़्यादा होती है, वो होती है 1.51 ग्राम पर लीटर। तो एमसीक्यूज में डेंसिटी भी आपसे पूछ सकते हैं, तो दोनों की डेंसिटी आपको याद करनी है, 68% प्योर की 1.4 ग्राम पर लीटर और 98% प्योर की 1.51 ग्राम पर लीटर। ये दो अलग अलग तरह से मार्केट में अवेलेबल होगा, डायल्यूट 68% और कंसनट्रेटेड 98%। कंसनट्रेटेड कैसे कर रहे हैं मैंने पीछे बता दिया आपको, सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए। फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई सारी? एनी क्वेश्चन? कोई चीज़ जो समझ में नहीं आती, छोटी सी भी चीज़ बेसिक है? देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्फॉर्मेशन का ही नाम है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और क्या करना है, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि इसको हम सॉल्व करें बैठ के कि सर ये 68, 83 ही क्यों है, सर इसकी डेंसिटी 1.4 क्यों है, 1.3 क्यों नहीं है, आपने कैसे कैलकुलेट किया? तो भाई मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने बुक में लिखा था, वहाँ से लिख दिया स्लाइड में देख कर, आपको भी याद कर लेना। ये मतलब इसमें कैलकुलेशन का कोई तरीका नहीं है कि हम इसको समझे बैठ के कि इतना क्यों आ रहा है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, बायोलॉजी में जैसा होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, तो इन्फॉर्मेशन आपको जितना ज़्यादा याद करेंगे उतने अच्छे नंबर लाने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर का भी एक क्वेश्चन अलग से आ सकता है, क्या भाई स्ट्रक्चर बनाइए नाइट्रिक एसिड के, तो नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर दो फेस में आ सकते हैं, वेपर फेस में और इस तरह से सॉलिड फेस में, दोनों फेसेस में आ सकते हैं। ये मैंने वेपर फेस में बनाया हुआ है, ये सॉलिड फेस में बनाया हुआ है, तो वेपर फेस में लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट में और सॉलिड स्टेट में, सिर्फ बॉन्ड एंगल्स का फ़र्क है। देखो ओवरऑल इसमें देखो तो 360 डिग्री का ये एंगल बन गया HNO3, इस तरह से बॉन्डिंग हुई हुई है, यहाँ देखो 130 डिग्री, 115 डिग्री, टोटल मिलाकर 360 डिग्री हो जाएगा ये, और बस यहाँ पर क्या करना है, 5 डिग्री यहाँ से बढ़ा देना और 2.5 डिग्री यहाँ से कम कर देना, तो 5 डिग्री यहाँ बढ़ा दिया 135 हो गया, यहाँ से 2.5, यहाँ से 2.5 कम कर दिया, तो 112.5 मतलब बाकी सारे दोनों स्ट्रक्चर सेम है। तो आपसे ये भी आ सकता है कि अभी आप जो है वो स्ट्रक्चर बनाएं नाइट्रिक एसिड का इन वेपर फेस या इन सॉलिड फेस, तो दोनों में आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बाकी ये तो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है कि नाइट्रोजन के लास्ट ईयर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, फिर इस तरह से बॉन्डिंग वगैरह बन रही है, आपको डायरेक्टली इस तरह से स्ट्रक्चर बना देना, आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। बॉन्डिंग पे नहीं आ रहा मैं, चूँकि फिर वो फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगी पूरी,
फिर इनऑर्गेनिक नहीं रहेगी फिर वो, सही है। तो बस क्या याद रखें कि दोनों फेसेस के अंदर सिर्फ बॉन्ड एंगल्स की वेरिएशन हमारे पास आती है। बॉन्ड एंगल वेरिएशन कैसे आती है, यहाँ 5 डिग्री आप बढ़ा दें और इधर से 2.5 डिग्री कम कर दें, तो ओवरऑल वहाँ पर भी 360 डिग्री का टोटल सर्किल बन रहा है, यहाँ पर भी 360 डिग्री का टोटल सर्किल बन रहा है, और तीनों देखें HNO3 वहाँ पर भी, ठीक है बात समझ में आ गई। तो ये एंगल्स आपको याद करने पड़ेंगे वरना नंबर आपको नहीं मिलेंगे अगर एंगल्स नहीं लिखेंगे। ये एक बड़ा सेक्शन बी में आ गया तो एक आसान सा सवाल होता है, मतलब डायग्राम बना दो बस ये स्ट्रक्चर तो आपको नंबर मिल जाते, कुछ वर्डिंग्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर, डायरेक्ट बस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये भी आप घर पर उसको प्रैक्टिस कर लेना इस स्ट्रक्चर की। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस, तो नाइट्रिक एसिड किस तरह के रिएक्शंस करता है, तो नाइट्रिक एसिड दो रिएक्शंस करता है भाई, मतलब पहले तो एसिडिक प्रॉपर्टीज, एसिडिक वे पर क्या रिएक्शंस करेगा, तो नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन वाटर के साथ। अब आपको पता है एसिड जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड अपना एच प्लस वाटर को दे देता है, तो उससे क्या हो जाएगा आपके पास NO3 माइनस साइन अलग हो जाएगा, और ये H2O में एक H प्लस ये इसको दे देगा, ये क्या हो जाएगा H3O प्लस बन जाएगा। ये तो हमारे पास जो आयन बना दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट आयन, और ये वाला आयन कौन सा वाला हमारे पास पॉजिटिव आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये तो एक हमारे पास तरीका हुआ, बाकी सेकंड में भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन किया जा रहा है, ये है ना भाई सेकंड रिएक्शन देख लो, ये न्यूट्रलाइजेशन है क्या नहीं, ये न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है एसिड के रिएक्शन बेस के साथ होता है, तो क्या यहाँ पर एसिड के रिएक्शन बेस के साथ हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा प्लस माइनस इधर इधर, तो सोडियम नाइट्रेट बना NaNO3 और साथ HOH मिलकर क्या बना दिया वाटर बन गया, तो ये सोडियम नाइट्रेट बना दिस इज सॉल्ट, इसी का दूसरा नाम होता है हमारे पास क्या है चिली सॉल्ट पीटर, इसी को चिली सॉल्ट पीटर कहा था मैंने चैप्टर 3 के अंदर इसका नाम लिखा था, इसी को चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो इन दोनों रिएक्शंस के अंदर नाइट्रिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज शो हो रही है कि नाइट्रिक एसिड एसिडिक बिहेवियर रखता है, एक में पानी में डाला तो H+ निकाल दिया तो एसिडिक है, इसका मतलब यही हो गया हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई, सेकंड में क्या किया कि एसिड के रिएक्शन बेस से करा दिया तो क्या बना सॉल्ट और वाटर बना, इससे ये साबित हो गया कि नाइट्रिक एसिड एक्चुअल में एक एसिड है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज भी सारी एसिड के शो कर रहा है, कैसे वो सॉल्ट के वो बेस के साथ रिएक्शन के उसको सॉल्ट और वाटर बना रहा है, ठीक है जी, समझ में आ गई बात, क्लियर है दोनों प्रॉपर्टीज, बहुत बेसिक है। इसके बाद जो मुश्किल प्रॉपर्टीज की है ना ये वाली है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये सबसे मुश्किल रिएक्शन है इस पूरे समझ जाओ चैप्टर 4 के, वैसे रिएक्शन मैंने लिखा कहीं नहीं है, जैसे मैंने कुछ हिंट्स कुछ पॉइंट्स दिए आपको, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखो बच्चे, जितने भी एसिड्स होते हैं ना, जितने भी एसिड्स होते हैं सारे के सारे एसिड्स हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज जो खुद रिड्यूस होते हैं और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो नाइट्रिक एसिड है HNO3, अब यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये -6 या +1, तो +5 निकल जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका यहाँ पर, अब NO2 में निकालोगे अगर तो +4 निकल जाएगा, NO में निकालोगे तो ये -2 तो ये +2 निकल जाएगा, N2O में अगर निकालोगे क्या निकलेगा, ये -2 होता है ना, -2 होता है ऑक्सीजन, निकालना पड़ेगा N2O में, N2O नाइट्रस ऑक्साइड कहलाता है, निकाल लेते हैं यार N2+O=0, N2+-2=0, N2-2=0, N=2/2 मतलब +1 निकला, +1 निकला, और एक हमारे पास है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट में अगर आप निकालोगे नाइट्रोजन गैस वाले तो क्या निकल जाएगा, ये -6 हो गया और ये +1 हो गया अमोनियम आयन पूरा, तो ये हमारे पास हुआ +5
नाइट्रेट का यहाँ पर किस तरह निकलेगा, दो नाइट्रोजन है ना, कम होगी बस, N2O से कम ही होगी इसकी। चलो बाद में देखते हैं उसको। देखें नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जितने भी एसिड होते हैं वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं सारे एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो डिफरेंट मेटल्स के साथ डिफरेंटली बिहेव करता है। लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, हायर द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, द ग्रेटर वुड बी द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन। जितना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होगा और जितना ज़्यादा कम कंसंट्रेशन होगा नाइट्रिक एसिड का, उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन होगी, उतना ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा नाइट्रिक एसिड के अंदर। मतलब क्या मतलब, मतलब बच्चों की नाइट्रिक एसिड है HNO3। अब मान लिया कि ये तो +5 पे ना नाइट्रोजन यहाँ पर, अब ये +5 से अपने आप को कम करेगा, अब +5 से अपने आप को +4 भी कर सकता है, +2 भी कर सकता है, +1 भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। +5 से अपने आप को कम कर सकता है ये, +4 +2 +1 और कम भी कर सकता है, ठीक है। ऐसे पता लगेगा कितना कम करेगा, तो जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आएगा उतना ज़्यादा वो ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा। हाँ जी, तो देखें आप इसमें केसेस कितने हैं अलग अलग, अब केसेस पे डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा NO2 के साथ विथ मोर एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स। मोर या लेस रिएक्टिव मेटल लिया जाएगा तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड NO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा तो हर सूरत में वो NO2 बनाएगा, अब वो चाहे मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करे चाहे लेस रिएक्टिव के साथ करे। कैसे, अब मोर रिएक्टिव मेटल क्या है एक याद कर लो बस, जिंक याद कर लो मोर रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल में एक याद कर लो बस, कॉपर याद कर लो ज़्यादा नहीं। अब ये अगर मान लो जिंक है, जिंक का रिएक्शन हो गया HNO3 से नाइट्रिक एसिड से, ठीक है, तो जिंक नाइट्रेट बनेगा ZnNO3, दिस इज ट्वाइस, देन नाइट्रिक एसिड रिड्यूस चुके, ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, जिंक तो 0 से +2 चला गया, जिंक तो ऑक्सीडाइज हो गया। अब नाइट्रिक एसिड रिड्यूस करेगा ना खुद को, क्योंकि जो खुद रिड्यूस होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये खुद को रिड्यूस करके कहाँ लेकर आ रहे हैं, एक स्टेप पीछे से NO2, और साथ में वाटर लिबरेट हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, नाइट्रिक चूँकि बहुत अच्छी ऑक्सीडेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हमने कंसंट्रेटेड लिया है नाइट्रिक एसिड को, दैट्स व्हाई। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कॉपर ले लो और नाइट्रिक एसिड ले लो कंसंट्रेटेड, तो फिर से यही होगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, NO2 बनेगा और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से आप देख लें किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, कि अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा ना तो वो हर मेटल के साथ NO2 की फॉर्मेशन करेगा। मेन मसला देखो ये बाय प्रोडक्ट का ही है, ये हर बच्चे को पता है कि कॉपर नाइट्रेट बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा, कराची का एक एक बच्चा जानता है ये बनेगा, लेकिन बहुत कम बच्चे जानते हैं कि NO2 बनेगा कि NO बनेगा कि N2O बनेगा। ये सबसे सब दर्द है, सब में अलग अलग चीज़ बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऊपर पॉइंट बता दिया, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन हाई होगा उतनी कम ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगी। तो देखो कहाँ ऑक्सीडेशन ज़्यादा पॉसिबल होगी, HNO3 मतलब +5 से +4 एक ही स्टेप डाउन आया ना, थोड़ी ना यहाँ से पूरा NO2 बन गया, मतलब +5 से +4 थोड़ा सा चार्ज कम किया अपना इसने। लेकिन जब यही अगर हम फिजिबल कंडीशन देते रहे तो चार्ज बहुत कम भी कर सकता है नाइट्रिक एसिड। जैसे देखो सेकंड में देखो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड NO में रिड्यूस होगा लेस रिएक्टिव मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे, तो अब यही कॉपर ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो और इस बार डाइल्यूट ले लो, तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा CuNO3 ट्वाइस, साथ में NO बनेगा और वाटर नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। पता, थोड़ी अच्छी ऑक्सीडेशन किस लिए पॉसिबल हो गई, क्योंकि आपने नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट ले लिया, इसकी वजह से आप बजाय NO2 पर शिफ्ट होने के NO पर शिफ्ट हो गए, अच्छी ऑक्सीडेशन हो गई। मतलब अपने आप को ज़्यादा रिड्यूस कर दिया इसने, तो ये NO में कन्वर्ट हुआ इस वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड में। सी पार्ट, आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लें और मोर रिएक्टिव मेटल ले लें, जैसे जिंक ले लें, मतलब आप दोनों तरफ से अच्छा अच्छा कर दिया आपने, मेटल भी रिएक्टिव ले लिया और कंसंट्रेशन भी डाउन कर दी,
अब क्या होगा, और अच्छी ऑक्सीडेशन होगी एनओ के बाद। एनओ से ज़्यादा और कहाँ नीचे जा सकते हैं, N2O। अब N2O बन जाएगा। तो जैसे कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट, सॉरी कॉपर नहीं, जिंक, चूँकि मोर रिएक्टिव मेटल लेना है, तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रिक। रट्टा नहीं लगाने, इसको समझ लें जिस तरह मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, घर जाकर दोबारा से धीरे धीरे दोबारा सुनना इन तमाम बातों को जो मैं बता रहा हूँ। पहली बार में किसी को समझ में नहीं आएगा, जब तक घर पे जाओगे 3-4 बार मेरे लेक्चर सुनोगे ये वाला स्लाइड, तब जाकर समझ में आएगा एक बार कि सर बोलना क्या चाह रहे थे आज। अभी नहीं आएगा समझ में, पहली बता रहा हूँ नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा दिमाग लगा के, कोशिश तो कर लो ठीक है। तो कितनी आसान बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि बुक वाले कैसे रिएक्शन को लिखते हैं। रट्टा मारने में क्या है, 3 रिएक्शन लिख दूँ वो याद कर ही लोगे, लेकिन रिएक्शन बनाना ज़रूरी है, पता तो लगे ना कि अब क्या चीज़ हो, रट्टा कितना लगाओगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा बना लो। तो देखो जिंक ले लिया हाईली रिएक्टिव और नाइट्रिक एसिड लिया डाइल्यूट, दोनों फिजिबल कंडीशन बना ली हमने। अब और अच्छी एनओ से भी अच्छी ऑक्सीडेशन N2O तक पहुंच जाएगा ये, तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, N2O बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड इसी को कहते हैं ना लाफिंग गैस, याद है लाफिंग गैस, N2O नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। इससे और अच्छी ऑक्सीडेशन चेक करो, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नहीं ले रहे आप, वेरी डाइल्यूट ले रहे हैं, मतलब और अच्छा कर दिया, मतलब जितना डाइल्यूट होगा उतनी अच्छी ऑक्सीडेशन, और हम डाइल्यूट नहीं अब ले रहे हैं, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट का मतलब और अच्छी ऑक्सीडेशन। अब वो NO2 के बजाय और आगे अमोनियम नाइट्रेट, इस पर जाकर रुकेगा सबसे फाइनली। तो देखो मोर रिएक्टिव जिंक ले लिया, नाइट्रिक एसिड ले लिया, और पेपर में क्या लिखा होगा, VDIL, मतलब वेरी डाइल्यूट लिखा होगा, तो अब अलग चीज़ है। देखना छोटे छोटे से चीज़ों से रिएक्शन चेंज हो रहा होता है इसके अंदर, बच्चे गलत करके आते हैं, बच्चे एक रट लेते हैं NO2 वाला रट लेता है, वही सब जगह ठोक के आ जाता है और 0 नंबर आ जाता है पेपर में, फिर बोलता है डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, फलाना नहीं बन पाए। तो भाई कौन बोला था रटने के लिए, अलग अलग है ना, मैं क्यों सर दर्द कर रहा हूँ आपको, अलग अलग ही आता है पेपर में, लिखा हुआ देते हैं आप देखना, कभी कभी डाइल्यूट, कभी वेरी डाइल्यूट, कभी कंसनट्रेटेड, पागल थोड़ी ना जो लिख कर दे रहे हैं वो, तक अलग अलग रिएक्शन बने तभी तो लिख कर दे रहे हैं, लिखे ही नहीं H2O3 लिख दे बस, रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। ये देखना है, बिना देखे बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलत करके आए थे। तो अगर आपने वेरी डाइल्यूट लिया नाइट्रिक एसिड और हाईली रिएक्टिव मेटल लिया, तो क्या होगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और वाटर बनेगा, ये हो गया। तो याद कर लें कि कब किस कंडीशन में, किस कंडीशन में आपके पास यहाँ पर NO2 बन रहा है, किस कंडीशन में आपके पास NO बन रहा है, किस कंडीशन में N2O बन रहा है, और किस कंडीशन में आपके पास अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ई पार्ट में रिएक्शन नहीं है, बस एक छोटा सा पॉइंट है MCQs कि नाइट्रिक एसिड इज पैसिव टुवर्ड्स एल्युमिनियम एंड गोल्ड। मैं एल्युमिनियम में मैंने ये बात आपको बताई थी कि नाइट्रिक एसिड दो चीज़ों से रिएक्शन कभी भी नहीं करता, एक तो मैंने आपको बता दिया गोल्ड से नहीं करता, सोने से गोल्ड को डिसॉल्व नहीं करता ना नाइट्रिक एसिड, और दूसरा एल्युमिनियम भी, एल्युमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ कभी रिएक्शन नहीं करता, एल्युमिनियम इज पैसिव टुवर्ड्स नाइट्रिक एसिड, तो एल्युमिनियम का रिएक्शन नहीं होता नाइट्रिक एसिड के साथ। और F नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है नाइट्रिक एसिड NO2 में, मतलब सेम पहले वाले की तरह कंडीशन आती है, उस तरह से मतलब कंपाउंड बन जाते हैं। नॉन मेटल्स हमारा सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, अब तीनों का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा दो, तीनों का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा दो, अब इसमें क्या होगा, सल्फर का अपना एसिड बन जाएगा, सल्फर का एसिड क्या बन जाएगा, H2SO4 प्लस NO2 प्लस वाटर, यहाँ फॉस्फोरस का एसिड बन जाएगा, फॉस्फोरस का एसिड याद है PH3PO4 प्लस NO2 प्लस वाटर, यहाँ सिलिकॉन का एसिड तो होता नहीं है, सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है बड़ा मशहूर सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड वो बन जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है SiO2 प्लस NO2 प्लस वाटर, मतलब नॉन मेटल्स के साथ भी नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन कर सकता है, और उस सूरत में रिलीज़ क्या करेगा, NO2 रिलीज़ करेगा, जैसे फर्स्ट कंडीशन पर यहाँ पर किया। तो बहुत सारे रिएक्शन बुक भी निकालोगे ना पूरा 2 पेज भरा हुआ है रिएक्शन से, लेकिन रटना नहीं है रिएक्शन को, इस वाले स्लाइड को सही से देख लेना कि कब क्या चीज़ रिलीज़ हो रही है, बस याद रखो। सॉल्ट तो बनेगा ही ना, जिंक नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट तो बन ही रहा है, सिर्फ किसी में NO2 बन रहा है, किसी में NO बन रहा है, किसी में N2O बन रहा है, किसी में NH4NO3 बन रहा है, वो डिपेंड किस पर कर रहा है, कंडीशन पर कर रहा है, केसेस पर कर रहा है, ABCD बात समझ में आ गई, हो जाएगा अभी ये काम इजिली ना, घर जाके उसको दोबारा से सही से करना है, चूँकि लाजमी इसके इक्वेशंस आएंगे पेपर में सेक्शन B के अंदर। वेरी डाइल्यूट दोबारा बता दो,
देखें, एसिड तीन तरह के हैं, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट। अगर हम जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, ZN के साथ, जिंक के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा वो NO2 होगा। अगर हम डाइल्यूट यूज करेंगे तो जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा वो हमारे पास NO होगा। NO होगा नहीं, N2O होगा, N2O होगा लाफिंग गैस। और अगर हम जिंक के साथ नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट यूज करेंगे तो जिंक नाइट्रेट तो बनेगा, उसके साथ हमारे पास NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट ये रिलीज होगा इन प्लेस ऑफ वाटर। बस इस तरह से याद कर ले, समझ। और कुछ क्लियर है बाकी सबको? थोड़ा सा खिचड़ी बन गई है बट समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको मिटा दूंगा तो सारी चीज़ें सिंपल लिखे, मैं समझा रहा था रिएक्शंस के साथ ना, घर जाके आप रिएक्शन कंप्लीट कर लेना, इसको बैलेंस नहीं किया बैलेंसिंग खुद कर लेना इसको, ठीक है। तो मसला तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके सेक्शन बी में लाजमी 1 से 2 इक्वेशन इसके आएंगे सेक्शन बी में। अगर आप इक्वेशन का सवाल कर रहे हो तो, व्हाट हैपेंस व्हेन वाला सवाल कर रहे हो तो, ठीक है। इस्तेमाल नाइट्रिक एसिड के जस्ट MCQs, कोई सवाल नहीं, सवाल में कभी नहीं पूछेंगे, बस MCQs में पूछ सकते हैं नाइट्रिक एसिड के, कोई इस्तेमाल के बारे में पूछ लिया। तो नाइट्रिक एसिड से क्या क्या बनाया जा सकता है, अच्छे बुरे दोनों काम किए जा सकते हैं। अच्छा काम तो यह है कि इससे हम नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, खाद बनाने में बड़ा इस्तेमाल है नाइट्रिक एसिड का, खाद जैसे कि यूरिया बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, सोडियम नाइट्रेट बनाने में, ये सारे फर्टिलाइज़र हैं। यूरिया तो आप जानते हैं, यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है, यही होता है, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोजेनस फर्टिलाइज़र। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होगा, अभी बस लिखा था NH4NO3 बनाने में। और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला चिली सॉल्ट पीटर लिखा था अभी। ये डिफरेंट तरह के फर्टिलाइजर्स को बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इससे बुरे काम भी किए जाते हैं, बुरे काम से मुराद बॉम्ब्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक नाइट्रोग्लिसरीन, इससे नाइट्रोग्लिसरीन बना सकते हैं। जब ग्लिसरॉल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करते हैं ना तो नाइट्रोग्लिसरीन बनता है जो एक एक्सप्लोजिव होता है। ये ग्लिसरॉल तो पता है ना आपको, ये ना ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन ये नहीं है। ग्लिसरीन क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, दिस इज ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल कुछ भी कह दो, इसका रिएक्शन अगर आप करा दो किसके साथ भाई, नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, तो ये OH यहाँ से रिलीज हो जाएगा, NO2 लग जाएगा जाकर, बल्कि सॉरी H रिलीज हो जाएगा और H की जगह पर नाइट्रिक एसिड आ जाएगा। व्हाट टफ। तो ये क्या होगा कि H तीनों निकलेगा और H के निकलने के बाद NO2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड जो बना, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोग्लिसरीन, इसी को बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। और ये नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है भाई, एक्सप्लोजिव है ये, धमाका खेज मवाद है ये, एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव का मतलब होता है धमाका खेज मवाद, जिससे धमाका ब्लास्ट हो सके। डायनामाइट इज मेड बाय एब्जॉर्बिंग नाइट्रोग्लिसरीन इनटू केसलगर डायनामाइट। ये डायनामाइट की पिक्चर बनी हुई है, टॉम एंड जेरी में देखा होगा आपने इसको, है ना भाई। तो डायनामाइट, TNT भी लिखा होता है उसके ऊपर कभी कभार। तो डायनामाइट को कैसे बनाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन को केसलगर में डिजॉल्व करके। केसलगर इज अ टाइप ऑफ सॉइल, एक तरह की मिट्टी होती है केसलगर, इसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन को डिजॉल्व कर देते हैं। और सबसे पहले ये काम किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन बनाया, मतलब ग्लिसरीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से किया, तो एक ऐसी चीज़ बनी जो फ़ौरन से ब्लास्ट हो जा रही थी, हल्का सा धूप लग रहा था उस पर, वो ब्लास्ट हो जा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि यार ये चीज़ जो बन रही है इसको हम किसी तरह से स्टोर कर लूँ ताकि एज एन एक्सप्लोजिव इस्तेमाल कर लूँ। तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया कि एक इस तरह से खोल लिया इस तरह का एक सिलेंडर टाइप का, और उसके अंदर उसने मिट्टी भरी केसलगर। मिट्टी भरने के बाद जब उसने उसमें नाइट्रोग्लिसरीन डाला ना, फिर धूप लगने पे वो फटा नहीं,
गर्म होने पर, और सिर्फ उसी वक्त फटा जब उसने माचिस मारा गया, तो वो माचिस ऊपर लगाते हैं ना तो धागा दिख रहा है उसमें। तो इस तरह से डायनामाइट की ईजाद हुई, इन्वेंशन हुई, और अल्फ्रेड नोबेल को बड़े पैसे मिले। अल्फ्रेड नोबेल, और अल्फ्रेड नोबेल को जो है ना बड़े पैसे मिले इस चीज़ के ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले उसको ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले उसको, तो वो बड़ा अमीर हो गया इस तरह से। एक दिन अल्फ्रेड नोबेल जो है वो चाय पी रहा था, नाश्ते में नाश्ता कर रहा था, चाय पी रहा था, अखबार पढ़ रहा था, अखबार में लिखा हुआ था कि डायनामाइट डेविल अल्फ्रेड नोबेल डाइज टुडे, कि डायनामाइट बनाने वाला शैतान अल्फ्रेड नोबेल आज मर गया। अब अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा कि जब मैं मर जाऊँगा तो लोग मुझे इस नाम से याद करेंगे कि डायनामाइट का शैतान मर गया, मतलब क्योंकि उसके काम, उसके इजाद को गलत कामों में इस्तेमाल किया जा रहा था ना, बॉम्ब ब्लास्ट करने में, सुसाइड बॉम्बिंग वगैरह, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, जंगों में। तो लेकिन अच्छे इस्तेमाल भी थे उसके काम के, जैसे सुरंग बनाना, पहाड़ से रास्ता निकालना, डिमोलिश करना किसी बड़ी बिल्डिंग को बॉम्ब के थ्रू डिमोलिशन करते हैं ना, अच्छे इस्तेमाल भी थे। तो अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा कि मेरे, लेकिन ऐसे बात है, लोग आपके अच्छे कामों को याद नहीं करते, आपके बुरे काम याद करते हैं। अच्छे काम आप जितने भी कर लो, लोग आपके बुरे काम को पॉइंट आउट करते हैं, मौचरा यही है, सोसाइटी ऐसे ही करती है। तो उन्होंने फिर क्या किया, अपने सारी दौलत जो उनको दौलत मिली थी अमेरिका से, यूएस से, वो सारी दौलत उन्होंने एक फाउंडेशन में रख दी। उस फाउंडेशन का नाम था द नोबेल फाउंडेशन, और उन्होंने कहा कि जिस साल मैं मर जाऊँ उस साल मेरे पैसों में से कुछ पैसों लोगों को दे देना जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लिटरेचर के अंदर, अदब के अंदर कोई बड़ा काम किया हो, तो कुछ पैसों में से कुछ पैसे इनाम में दे देना मुझे, उसको, उस शख्स को। आखिर किसान 1900 में अल्फ्रेड नोबेल की वफात हो जाती है 1900 में, और 1900 में ही पहली बार जो है वो नोबेल प्राइज़ जाता है चार, मतलब चार लोगों को, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में, एक मेडिसिन में और एक लिटरेचर में। और उस अवार्ड को नाम दिया जाता है नोबेल के नाम पे, द नोबेल प्राइज़, सुना होगा आपने, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को मिलता है नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ किसके नाम पर दिया जाता है, यही इस अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जिसकी कहानी मैं आपको सुना रहा था। उसने कहा कुछ ऐसा कर चलो यहाँ के बहुत याद रहो, मतलब इंसान कुछ ऐसा काम करके जाए कि दुनिया उसको याद रखे। तो अल्फ्रेड नोबेल को आज कोई दुनिया में नहीं जानता कि डायनामाइट उन्होंने बनाया था, ये डायनामाइट इनकी ईजाद थी, लेकिन हर कोई ज़रूर ये जानता है कि इस एक किसी बंदे के नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन, रदरफोर्ड, बोहर, सब बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को मिला। ठीक है, ऐसे ही बता रहा था कि ये डायनामाइट की कहानी इनसे लिंक करती है, नाइट्रोग्लिसरीन को केसल घर में उन्होंने जो डिजॉल्व किया था, ये बहुत बड़ी कहानी है ये, ठीक है, साइंस की दुनिया की। लेकिन वैसे तो हमारे लिए तो एक नंबर है बस, ये एमसीक्यूज़ है और कुछ नहीं। एक्वारीजिया बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रिक एसिड को, एक्वारीजिया। अब एक्वारीजिया क्या है इसके अगली स्लाइड में पता लग जाएगा, अभी नहीं बता रहा एक्वारीजिया क्या। ठीक है, बात समझ में आ गई, तीन काम समझ में आए, पहला तो खाद बनाने में, दूसरा धमाके खेज मवाद बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन, और तीसरा इसको एक्वारीजिया बनाने में इस्तेमाल कर, तीन यूजेस बस। तो मसला आगे बढ़े, सीनो यूज समझ में आ गए, देखिए व्हाट इज एक्वारीजिया। एक्वारीजिया किसे कहते हैं, देखो दो वर्ड से निकला है, एक्वा और रीजिया। एक्वा मतलब होता है पानी, वाटर, और रीजिया के मतलब होता है रॉयल, रॉयल वाटर, उर्दू में कह सकते हैं आबेशाही, बादशाहों का पानी। इसका मतलब ये नहीं कि ये वो पानी है जो बादशाह पीते हैं, बादशाह सलामत की पीने का पानी नहीं है ये, इसको इसलिए रॉयल वाटर कहते हैं बिकॉज इट कैन डिजॉल्व रॉयल एलिमेंट, ये रॉयल एलिमेंट को डिजॉल्व कर सकता है। और पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट रॉयल एलिमेंट कहलाता है, गोल्ड, बादशाहों का एलिमेंट है ये, जो कि बादशाह बहुत इस्तेमाल करते हैं गोल्ड, तो रॉयल एलिमेंट को डिजॉल्व कर सकता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड रॉयल वाटर। दुनिया में और कोई भी चीज़ एक्वारी मतलब गोल्ड को डिजॉल्व नहीं कर सकती सवाए एक्वारीजिया की, एक्वारीजिया गोल्ड को डिजॉल्व कर सकता है टोटली। एक्वारीजिया है क्या, दो एसिड का मिक्सचर है, नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, 1:3 के रेशो में मिले होते हैं, 1 part नाइट्रिक एसिड, 3 part हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब 1 cup अगर आप नाइट्रिक एसिड मिला रहे हो तो 3 cup आपको HCl मिलाना पड़ेगा, ये इसकी कंपोजिशन हो गई। और दोनों रिएक्शन में क्या बना रहे थे, NOCl वाटर और Cl। NOCl किसे कहते हैं, NOCl कहलाता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसिल
क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड कहलाता है और H2O वाटर है और Cl ब्रैकेट के साथ लगा हुआ, तो दिस इज याद है नेसेंट क्लोरीन है, ये नेसेंट लार्ज ब्रैकेट के अंदर होता है ना हमेशा, जैसा नेसेंट हाइड्रोजन होता है, नेसेंट क्लोरीन। अब दिस नेसेंट क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गोल्ड, इसकी वजह से गोल्ड डिसॉल्व होता है। कैसे? ये जो गोल्ड है ये नेसेंट क्लोरीन से रिएक्शन करता है और AuCl3 बना लेता है, दिस इज कॉल्ड गोल्ड क्लोराइड। तो ये गोल्ड का एक सॉल्ट है जो क्या होता है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। और जैसे टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में एक्वा रिजिया डाला गया है, एक्वा रिजिया डालने के बाद गोल्ड का एक पीस इसके अंदर डाल दिया गया है और इसके अंदर से बहुत सारे बबल्स निकल रहे हैं। और ये हो क्या रहा है, असल में वीडियो नहीं है ये, जैसे पिक्चर है, थोड़ी देर में क्या होगा ये पूरा का पूरा जो गोल्ड है ना इसके अंदर डाला गायब हो जाएगा, वो पूरा पूरा गोल्ड इसके अंदर गायब हो जाएगा। सोना, सोने की अंगूठी डाल दो और 5 मिनट के अंदर अंगूठी गायब, जादू नहीं है ये केमिस्ट्री है। क्या कर रहा है वो, गोल्ड गायब नहीं हो रहा, वो डिसॉल्व हो जा रहा है उसके अंदर। वापस भी कर सकते हैं, हीट अप कर दें आप इसको, हीट अप कर दें, हीट अप करने के बाद आपको गोल्ड वापस मिल जाता है। तो इसके थ्रू बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर वगैरह के चिप्स होती हैं ना, मोबाइल फ़ोन के सर्किट्स हैं, कंप्यूटर के सर्किट्स के अंदर जो चिप्स होती हैं उसके अंदर गोल्ड बड़ी तादाद में होता है। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के जो माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह होते हैं ना, IC वगैरह जो होती हैं उनके अंदर बड़ी तादाद में गोल्ड होता है, गोल्ड की वायरिंग होती है। तो बहुत सारे लोग का काम ये होता है कि वो कबाड़े में नहीं, बहुत सारे लोग स्क्रैप में लेते हैं ये सब चीज़ें, मोबाइल फ़ोन स्क्रैप में ले लिया, चलता नहीं है, बिल्कुल डेड है, फिर भी लोग ख़रीद लेते हैं कंप्यूटर वगैरह सर्किट। वो करते हैं क्या है, वो सारे सर्किट को लेकर एक बाल्टी में एक्वा रिजिया बना के उसके अंदर डाल देते हैं, जितना भी गोल्ड होता है ना उसके अंदर सर्किट के अंदर वो सारा डिसॉल्व हो जाता है। तो जितना भी गोल्ड होता है वो गोल्ड सारे का सारा डिसॉल्व हो जाता है और उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है और वो डिसॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो छानने के बाद हीट करते हैं तो सारा गोल्ड उनको अलग से मिल जाता है, लाखों रुपए का फ़ायदा हो जाता है उनका। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं इससे, मतलब है कबाड़ी है काम, कुछ नहीं है कबाड़ी है काम है ना, पुराने चीज़ें लेकर एक्वारी, लेकिन हर किसी को आता नहीं है ना ये करना, सबको उन्होंने पता है एक्वारी क्या भला है और क्या है। जैसे केमिस्ट्री आती है वो ये काम कर सकते हैं, इसलिए केमिस्ट्री पैसा कम, केमिस्ट्री से पैसे भी बना सकते हैं, देखो पैसा बना रहे ना और क्या है, ये काम है, पार्ट टाइम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा काम है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास है, दिस इज एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। चैप्टर 4 के अंदर दो एलोट्रोप्स हैं, एक हमारे पास कार्बन के एलोट्रोप्स हैं और हमारे पास सल्फर के एलोट्रोप्स हैं। कार्बन के एलोट्रोप्स जो फर्स्ट पार्ट था लेक्चर का पिछले लास्ट वीक वो डिस्कस कर लिया, डायमंड, ग्रेफाइट, बक्की बॉल, याद होगा वो सब कराया था पिछली क्लास में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, चूँकि ग्रुप 6 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो सल्फर के बारे में 3 टॉपिक्स हैं, सल्फर के एलोट्रोप्स, सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर देख लेते हैं। सल्फर के बच्चों 3 एलोट्रोप्स होते हैं। एलोट्रोप्स आप जानते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रोपी। अगर एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं एलोट्रोपी, जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसी तरह से हर एलिमेंट के एलोट्रोप्स होते हैं, सल्फर के भी एलोट्रोप्स हैं, बड़े मशहूर 3 एलोट्रोप्स हैं सल्फर के, हम कह सकते हैं अल्फा बीटा गामा सल्फर, या कह सकते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा सल्फर को ही कहा जाता है रोम्बिक सल्फर, बीटा सल्फर को कहा जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर, एक और इसका नाम होता है प्रिज्मेटिक सल्फर, और गामा सल्फर का एक और नाम होता है प्लास्टिक सल्फर। तो हम ये कह सकते हैं अल्फा बीटा गामा, हम ये कह सकते हैं रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। इस तरह से शुरू का जो दो है ना अल्फा और बीटा, दे आर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, दे आर क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, वाल जो थर्ड वन है आखिरी वाला वो कैसा है अमरफस। क्रिस्टलाइन और अमरफस में क्या फ़र्क है, क्रिस्टलाइन में यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स किसी यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होते हैं, जबकि अमरफस में क्या होता है रैंडम अरेंजमेंट होती है। तो अल्फा और बीटा जो है वो क्रिस्टलाइन है, जबकि गामा जो है सल्फर वो कैसा होता है अमरफस होता है। अमरफस मतलब ये उसका कोई फिक्स शेप नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अल्फा सल्फर, फिर बीटा सल्फर है, फिर गामा सल्फर है। तो अल्फा और बीटा सल्फर हमारे पास क्रिस्टलाइन होते हैं, जबकि गामा सल्फर हमारे पास होता है अमरफस।
मतलब उसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं होते, रेंडमली अरेंज होते, बेतरतीब होते हैं। इसका एक शेप होता है रोम्बिक शेप होता है, तभी इसको रोम्बिक सल्फर कहा जाता है। रोम्बिक शेप इस टाइप का लगभग शेप होता है, इस टाइप का शेप इसका होता है ना क्रिस्टल का, ये रोम्बिक शेप कहलाता है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रोम्बिक क्रिस्टल। इसको मोनोक्लिनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि मोनोक्लिनिक शेप होता है। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल का शेप किस तरह होता है, लाइक दिस, इस टाइप का होता है। फिंगर चिप्स इस तरह होता है ना भाई, नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं लंबे लंबे इस वाले। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। और गैमा सल्फर का तो शेप ही कोई नहीं होता, इसमें क्या होता है कि बस सल्फर रेंडमली अरेंज होते हैं, रैंडम अरेंजमेंट होती है, तो फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती है। तब इसको प्लास्टिक सल्फर कहा जाता है, प्लास्टिक की तरह खींचा जाता है इसका मॉलिक्यूल, रबर जैसा च्युइंगम जैसा लग रहा होता है। तो सेकंड पॉइंट है कि इसका कलर क्या होता है, लेमन येलो, लेमन येलो, ज़्यादा ब्राइट येलो टाइप का ही होता है, ठीक है, लेमन येलो कलर का होता है ये। जबकि इसका कलर क्या होता है, डार्क येलो होता है, नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं इसके। और प्लास्टिक सल्फर का कलर कैसा होता है, ब्राउन या रबर लाइक सॉलिड होता है, ब्राउन कलर का होता है, और जेली जैसा रबर जैसा जो है ना एक सॉलिड होता है। इट इज इलास्टिक एंड सॉफ्ट इन नेचर बिकॉज ऑफ इलोंगेटेड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। चूँकि उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इलोंगेटेड होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है ना, तो खिंचाने पे खींचा जाता है वो। अब जैसे यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ के खींचोगे ना तो ये खींचा जाएगा, इसी वजह से प्लास्टिक सल्फर जो है वो इलास्टिक होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये रीज़न में आ सकता है, ये वाले बात इसको रीज़न में पूछ सकते हैं कि भाई प्लास्टिक सल्फर सॉफ्ट क्यों होता है। तो आप बताएंगे कि जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर की वजह से प्लास्टिक सल्फर सॉफ्ट होता है। द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ अल्फा एंड बीटा सल्फर इज 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा और बीटा सल्फर की ट्रांजिशन टेम्परेचर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ट्रांजिशन टेम्परेचर किसे कहते हैं, वो टेम्परेचर जिस पर अल्फा एंड बीटा सल्फर दोनों क्या करें, एग्जिस्ट करें, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे कि देखो, ये रहा अल्फा सल्फर रिएक्शन एरो, और ये रहा बीटा सल्फर, और ये रहा टेम्परेचर हमारे पास 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप टेम्परेचर इससे ज़्यादा करेंगे, 95.5 से ज़्यादा, तो बीटा सल्फर बन जाएगा, और अगर 95.5 से कम करेंगे तो अल्फा सल्फर बन जाएगा। मतलब ये टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर है अल्फा और बीटा सल्फर की। अगर टेम्परेचर 90 ज़्यादा किया जाएगा तो बीटा सल्फर स्टेबल रहेगा, और उससे कम करेंगे तो अल्फा सल्फर। तो अल्फा सल्फर को बीटा सल्फर बनाने के लिए क्या करते हैं, इस टेम्परेचर पर उसको हीट कर देते हैं, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब आप टेम्परेचर डाउन करते हैं तो वापस अल्फा सल्फर दोबारा बन जाता है, ठीक है। इतना तो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है ये। मीन्स आप बीकर लें, बीकर के अंदर आप डाल दें, पहले पानी ना डालें, चूँकि पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सल्फर का जो नेचर होता है, सल्फर खुद कैसा होता है, सल्फर खुद नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो जाहिर सी बात है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होगा। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या चीज़ है, जैसे कि CH2 ले लें, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है। वैसे पेट्रोल भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पेट्रोल में भी सल्फर हल हो जाएगा, लेकिन चूँकि पेट्रोल को हीट करेंगे ना तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा वो, इसलिए पेट्रोल लेने की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट पेट्रोल के अलावा भी होते हैं, वो भी होते हैं जो जलते नहीं हैं, जैसे CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। CH2 ले लिया, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया बच्चों, इसके अंदर हमने डाल दिया सल्फर, मतलब अल्फा सल्फर, घुल जाएगा अल्फा सल्फर डालेंगे, पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, जैसे नमक पानी में घुल जाता है, वैसे कार्बन डाइसल्फाइड में अल्फा सल्फर घुल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको हीट करेंगे 95.5 डिग्री पर, जैसे हीट करेंगे ना तो क्या होगा, इसके अंदर निडल लाइक सुई जैसे लंबे लंबे क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, किसके, बीटा सल्फर के, मोनोक्लिनिक सल्फर के। फिर जब आप चूल्हा बंद कर देंगे, स्टोव बंद कर दो, टेम्परेचर कम कर दो, जैसे ही टेम्परेचर 95.5 से कम होगा, वो सारे जो निडल लाइक क्रिस्टल हैं वो सब गायब हो जाएंगे, और दोबारा अल्फा सल्फर आपके पास हो जाएगा। मतलब ये बेसिक इस तरह से हम बार बार इस रिएक्शन को फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। दैट्स वाई ये टेम्परेचर कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, अल्फा और बीटा सल्फर का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, MCQs में पूछते हैं आपसे, बहुत पूछते हैं MCQs में, क्या बताइए अल्फा बीटा सल्फर की ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, तो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको याद रखो। इट इज स्टेबल एट RTP, RTP मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर,
रूम टेम्परेचर प्रेशर पर ये स्टेबल रहता है, मतलब आरटीपी पर ये आपको मिलेगा अपने रियल इस्टेट पे। मतलब रोमिक सल्फर जो नॉर्मल गंधक होता है, सल्फर गंधक को ही कहते हैं जो पानी साफ करने के लिए टैंकी के अंदर डाला होता है, ब्राउन येलो टाइप का होता है ना, वो पत्थरी जैसा होता है, वो गोल सिलेंडर टाइप का लगता है, वो देखा होगा कभी आपने घर पे टैंकी साफ करते हुए दिखता है, पानी खींचता है ना वो, मतलब पानी में जो डस्ट में आ रहा होता है ना वो उसको रिमूव करता है, डस्ट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। बीटा सल्फर अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर और इस टेम्परेचर के बीच में 95.5 और 119.25 इस टेम्परेचर के बीच में स्टेबल रहता है। और गामा सल्फर भी रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है। मतलब सिर्फ मोनोक्लिनिक सल्फर बीटा सल्फर आपको रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं मिलेगा, हाई टेम्परेचर पर सिर्फ स्टेबल मिलेगा, बाकी अल्फा और गामा आपको रूम टेम्परेचर पर मिल सकते हैं। पानी में हल नहीं होता तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होते हैं सारे, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर गामा सल्फर सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है बेंजीन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, पेट्रोल में, क्लोरोफॉर्म में, इन सब में डिजॉल्व हो सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी होते हैं। पानी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें डिजॉल्व नहीं होता चूँकि खुद नॉन पोलर है। बताया था आपको लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सॉलिड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉलिड डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रोमिक सल्फर के एसेट सल्फर के 8 एटम रिंग की सूरत में अरेंज होते हैं, और मोनोक्लिनिक सल्फर का फॉर्मूला भी एसेट होता है लेकिन इसके निडल लाइक क्रिस्टल होते हैं, जबकि इसमें लॉन्ग चेन का सल्फर एटम्स की होती है रैंडम ऑर्डर में, तो फिक्स शेप इसका नहीं होता। बॉन्ड ये MCQs में एक बार पूछा था, याद रख लीजिएगा, बॉन्ड डिस्टेंस सल्फर एटम्स के बीच में 2.12 एंगस्ट्रॉम का है और बॉन्ड एंगल 105 डिग्रीज का है। तो ये बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ अल्फा सल्फर के लिए आपको याद करनी पड़ेगी कि 2.12 एंगस्ट्रॉम भी डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको मैं, तो दिख जाएगा ठीक है। ये देखें ये तो आपके पास जो है ना रोम्बिक सल्फर, आपको यहाँ पर ये रहा, ये रोम्बिक सल्फर आपको दिख रहा है, रोम्बस टाइप का शेप है, ये नॉर्मल सल्फर है, केरोसलाइन शेप आपको दिख रहा है, एक फिक्स शेप इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, चाहे ना छोटे 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 पीसेस एक फिक्स शेप के इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे रोम्बिक शेप के, ये रोम्बिक सल्फर कहलाते हैं, इस टाइप का होता है रोम्बिक सल्फर। और ये रहा मोनोक्लिनिक सल्फर, इसके अंदर आपको सुई जैसे ना लंबे लंबे सुई जैसे क्रिस्टल इस फ्लास्क के अंदर आपको दिख सकते हैं। तो ये बीटा सल्फर की पिक्चर है, फोटो है, गूगल से निकाली है मैंने, तो आप देख लें। अच्छा, अल्फा और बीटा सल्फर के बीच का मैंने आपको टेम्परेचर बताया था, देखो 95.5 से आगे ये स्टेबल है और उससे कम पे ये स्टेबल है, ट्रांजिशन टेम्परेचर 100% ये आएगा, उसको याद रखना। और ये जो मैंने बताया ना क्राउन टाइप का शेप, सल्फर के 8 एटम इस तरह अरेंज होते हैं, सल्फर के 8 एटम इस तरह से क्राउन टाइप के, जैसे ताज होता है ना बादशाह का ताज, उस तरह के शेप में अरेंज होते हैं। इसके अंदर आप देख लें कि ये जो बॉन्ड एंगल है 105 डिग्री है और बॉन्ड लेंथ सल्फर सल्फर के बीच में 2.12 एंगस्ट्रॉम है, ये बॉन्ड लेंथ याद रखिए और बॉन्ड एंगल 105 डिग्री, ये MCQs में आया था एक बार 10 ईयर्स के अंदर, तो उसको याद करना पड़ेगा कि अल्फा सल्फर के अंदर बॉन्ड लेंथ क्या है सल्फर के एटम्स के बीच में और बॉन्ड एंगल क्या है उनके बीच में, ठीक है बच्चों, ये लाजमी याद कर लें, बहुत एक बोरिंग सी चीज़ है बट पेपर में पूछ लेते हैं इस तरह की भी चीज़ें, मतलब ये पूछना नहीं चाहिए वरना ऐसे बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल कौन पूछता है, बट पूछा मतलब याद करना पड़ेगा ना इस चक्कर में आपको, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया होगा बॉन्ड लेंथ। अब आपको थोड़ा ना वर्नियर कैलिपर देंगे सल्फर और दे भाई नापो उसको बैठ के, आपको याद करना पड़ेगा ठीक है। बस सल्फर के इलेक्ट्रोप्स का टॉपिक ख़त्म हो गया, वो एक अलग सवाल था इलेक्ट्रोप्स ऑफ सल्फर। अब आ जाते हैं H2S में, ये कंपाउंड है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, एक नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी है गई थी सॉरी, तो वो बता देता हूँ, वो नाइट्रिक एसिड का, असल में वो पढ़ी हुई चीज़ भी है। आपको पता है कि नाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड को हम नाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के नाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर, नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 ग्रुप को ऐड कर लेना। तो बेंजीन एक नाइट्रेटिंग एजेंट है, जैसे बेंजीन कह रहा सॉरी नाइट्रिक एसिड एक नाइट्रेटिंग एजेंट है, आपको याद होगा नाइट्रेशन बेंजीन की, बेंजीन का रिएक्शन आप किससे करते थे, नाइट्रिक एसिड से करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ
सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था? NO2+। NO2+ निकलेगा ना नाइट्रोनियम आयन जिसको हम कहते थे, और NO2+ यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह आ जाता था, यहाँ पर NO2 आ जाता था और ये वाटर रिमूव हो गया। ये जो कंपाउंड बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन कैसे बन रहा है? जब बेंजीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से हो रहा है। इससे क्या साबित हुआ यहाँ पर कि नाइट्रिक एसिड एक नाइट्रेटिंग एजेंट है, बिकॉज वो किसी मॉलिक्यूल में NO2 ग्रुप को ऐड करवा सकता है। क्लियर है? बस यही चीज़ थी जो मैंने छोड़ दी थी, पढ़ी हुई थी वैसे, कोई नई चीज़ नहीं। यस सदफ, लंबी क्लास लेके आ रहा काफ़ी, रात 9 तक 12 घंटे, क्या बात है, शहीद का रुतबा तुम्हें मिलेगा 12 घंटे पढ़ रहे हो तुम। तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है बहुत लंबी क्लास लेकर आ रहे हो, समझ में आ रहे। वैसे इतना इनएक्टिव रहते नहीं हो कभी, लेकिन सुबह 9 से जो पढ़ रहा है उसकी हाल यही होता है भाई। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो, इसलिए रिकॉर्डिंग करो ना, घर जाकर सुकून से दोबारा देख लेना अगर कुछ समझ में ना आए तो। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, H2S की मेन आपको पता है रोटेन एग लाइक स्मेल, सड़े हुए अंडे जैसी बदबू वाला जो गैस है ना, दैट इज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सेवरेज वगैरह के अंदर से ना, सेवरेज के पाइप से, सेवरेज लाइंस वगैरह होती है ना, उसी की उसके अंदर ये गैस प्रोड्यूस होती है ऑटोमेटिकली, नेचुरली वो गैस प्रोड्यूस होती है। इसलिए सेवरेज की जो अजीब सी फाउल स्मेल होती है ना, तो वो स्मेल H2S की वजह से होती है ना भाई। सिंपल सी बात है, अगर कहीं कराची में तो जगह जगह पर मेन होल खुले हुए मिलते ही हैं, ठीक है, तो उसकी जो एक फाउल ऑर्डर होती है ना, एक ऑफेंसिव सी ऑर्डर जो होती है, तो वो ऐसे तो जाहिर सी बात है बहुत बैड स्मेल है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। तो H2S गैस बहुत मशहूर है इस लिहाज से कि सेवरेज वगैरह के अंदर पाई जाती है ये बाकी इस गैस को हम लैब में बनाते भी हैं बाय मीन्स ऑफ किप सेपरेटस, वो भी बताऊँगा, कॉलेज के अंदर आपने ऐसे बनाया होगा इससे किप सेपरेटस की मदद से। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रिपरेशन देख लें बच्चों, चार तरह से बनाएंगे। पहला तो तरीका सल्फर से, H2 का S से रिएक्शन किया, H2+S क्या बन गया, ये हमारे पास ये बन गया हमारे पास H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, ठीक है बच्चों। पहला तरीका H2 का S से रिएक्शन किया, H2S बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा तरीका स्टेबनाइट से बना सकते हैं, स्टेबनाइट किससे कहते हैं, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड SB2S3, क्योंकि एंटीमनी 5 ग्रुप के एलिमेंट है, -3 -2, तो वैलेंसी इंटरचेंज हो जा रही है, तो बन जा रहा है SB2S3 एंटीमनी ट्राई सल्फाइड। एंटीमनी आप जानते हैं SB होता है सिंबल, एंटीमनी एक एलिमेंट है 5 ग्रुप के अंदर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मत, याद है। तो एंटीमनी ट्राई सल्फाइड एक इसका जो कॉमन नेम है उसको बोलते हैं स्टेबनाइट, स्टेबनाइट। अब जो स्टेबनाइट होता है इसको अगर हम HCl से रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, तो SbCl3 बनेगा और H और S से जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा, बन गया H2S दोबारा। तीसरा तरीका जिंक सल्फाइड से, ये भी बड़ा आसान है, जिंक सल्फाइड के रिएक्शन HCl से, हाँ बच्चों देखो बन गया, सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो ZnCl2 और उसके साथ क्या बना, H2S बना। आसान है, बड़े छोटे छोटे इक्वेशन से। आखिरी मेथड है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लैब में जैसे बनाते हैं, और उसके थ्रू हम उसके लिए हम क्या करते हैं, किप्स एपरेटस को इस्तेमाल करते हैं। आपने कॉलेज के अंदर सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल जब किया होगा तो उसके अंदर आप H2S गैस भी इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट सॉल्ट के एनालिसिस के लिए ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब वो गैस या तो गैस होती है, कुछ कॉलेज में सोल्यूशन दिया जाता है, कुछ में सोल्यूशन देते हैं और कुछ में गैस देते हैं, तो वो गैस बन रही होती है ना एक जगह पर, एक इस तरह का देखा है, इस तरह का एक शीशे का बना होता है, इसके अंदर गैस बन रही होती है, तो बच्चे जाकर उसी में टेस्ट कर रहे होते हैं जाकर, देखा है कभी नहीं देखा, किससे नहीं देखा, आपने देखा किप सेपरेटस कॉलेज में था आपके H2S गैस बनाने के लिए, चलो गुड, बहुत बहुत मतलब इंपॉर्टेंट अपरेटस ये है। तो ये गैस आप जाहिर सी बात है ना कि आपको साथ साथ बनाना पड़ेगा, आप थोड़ी ना उसको डब्बे से निकाल लेंगे, लिक्विड सॉलिड तो चलो डब्बे से निकाल लिए, गैस कैसे निकालोगे डब्बे से, उसको तो साथ साथ ही तैयार करना पड़ेगा ना रिएक्शन के लिए,
तो किप सेपरेटर्स के थ्रू हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल मतलब रिजेनरेट करते हैं। कैसे करते हैं, इसके अंदर होता क्या है, FeS का रिएक्शन इसके अंदर हो रहा होता है HCl के साथ, तो ये क्या बन रहा होता है, सिंपल FeCl3 बनेगा, फेरिक क्लोराइड, और साथ में H2S बन जाएगा। तो ये H2S गैस जो है ना वो हम यहाँ से यूज़ कर रहे होते हैं। तो रिएक्शन वही है, सिंपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जिस अपरेटस के अंदर हो रहा होता है उस अपरेटस का नाम है किप सेपरेटस। MCQs में आएगा कि डैश इज़ यूज टू जनरेट H2S गैस, तो उसका आंसर होगा किप सेपरेटस इज़ यूज टू जनरेट H2S गैस। ठीक है, सेंटर्स का नाम होगा किप्स, उसी के नाम पर है। समझ में आ गया चारों प्रिपरेशन, H2S गैस के किस तरह प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड को। डायग्राम नहीं बनानी है आपको, ठीक है, वो ऐसे मैंने जैसे दिखाया है किप्स का डायग्राम मैं बोलूँगा, वहाँ पर बनाना है बस, जैसे ओसवाल्ड मेथड में बनाना ज़रूरी था तो वहाँ बताया था मैंने आपको। यस, स्लाइड बिल्कुल भेजूँगा बिल्कुल, तो उसको घर पर ही बनाना, अभी डायग्राम नहीं बनाना है, वो डायग्राम में भी तुम लोग आधा घंटा निकाल लेते हो, तो डायग्राम भी घर पे, और सबको करना है, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ मार्क्स का, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है, लेकिन मैं यहाँ क्लास में सब कुछ नहीं करवा सकता, चार घंटे की क्लास में भी सब कुछ नहीं करा सकता, घर पे करना ज़रूरी है मेहनत। चार घंटे में सिर्फ मैं लेक्चर देकर बस सेंस बना सकता हूँ, चैप्टर 4 इतना बड़ा है, अभी आपको दिख रहा है ना, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चल रहा है तो चल ही रहा है, अभी भी कितने देर से क्लास कर रहे हैं, चलते ही रहेगा ये, जबकि मैं कितना शॉर्ट पढ़ाता हूँ आपको पता है, मेन मेन पॉइंट की बात करता हूँ बस और आगे बढ़ता हूँ, ऐसे करता हूँ ना बेटा, ये ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया, अगर इसमें मैं डिटेल पे चले जाओ 1-1 घंटा तो कितना टाइम लग जाए तुम्हें पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया H2S गैस की चार प्रिपरेशन, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल, फिजिकल तो चली गई, डबल स्लाइड मूव हो गया, ये रहा। जिसने देखा है उसको पता है कि H2S गैस है, कलरलेस गैस है, कलर कोई नहीं होता उसका, और रॉटन एग लाइक स्मेल, सड़े हुए अंडे जैसी बदबू उसकी होती है, रॉटन एग, सड़ा अंडा सूंघा कभी, बहुत काबिला के पहले बर्दाश्त होता है, वो सिंपल सी बात है। तो हमारे यहाँ स्कूलों में तफरी करने के लिए बच्चे ये काम करते थे, शरारती बच्चे लोग, वो सड़े हुए अंडे डस्टबिन के अंदर डाल दिया करते थे ला कर ना, वो फिर आप टाइट सी बात है, आप टीचर तो खड़ी होंगे नहीं, इतनी स्मेल आ रही है, अब मास्टर जो है वो स्कूल में पोछा लगा लगा के परेशान, स्मेल ना आ जाए, पूरी क्लास पूरे दिन ज़ाया हो जाता था उसमें, और सब तफरी कर रहे होते थे। तो हमारे दोस्तों में ऐसा हो, दोस्तों में क्या क्लास फेलोज होते हैं कुछ बैक बेंचर्स, वो ऐसा किया करते थे, तो कभी कभार उन शरारत में मैं भी शामिल होता था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन स्कूल है ही इस चीज़ के लिए, स्कूल की ही बातें याद रहती है, पढ़ाई स्कूल की उन्होंने याद रहती है। अच्छा, तो कलरलेस गैस है, रोटन एग लाइक स्मेल है, सड़े अंडे जैसी बदबू है, हवा से भारी है, क्योंकि एयर का मैंने आपको बताया था 29 होता है ना मॉलिकुलर मास, और H2S गैस का कितना निकल जाएगा, 32 + 2 = 34, तो ज़्यादा ही हुआ ना एयर से, तो हैवियर देन एयर है, हवा से भारी है, टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है, ज़्यादा देर तक सूंघ नहीं सकते, बेहोश हो सकता है इंसान, क्योंकि राइट से बात है ना कि नाकाबिले बर्दाश्त स्मेल होती है, पानी में हल हो जाती है तभी सॉल्यूशन बन जाता है H2S का इजीली, वाटर सॉल्युबल है क्योंकि पोलर है दैट्स व्हाई, और इसका सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर होता है, मतलब जब पानी में मिलता है तो एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है H2S, ठीक है, तो एसिडिक गैस हम कह सकते हैं उसको। तो सिंपल है, कलरलेस गैस है, सड़े बंडे जैसे स्मेल है, हवा से भारी है, जहरीली है, पानी में हल हो जाती है, और पानी में जब हल होती है तो एसिडिक सॉल्यूशन बनाती है H2S गैस, किस लिए, उसकी नेचर कैसी है, एसिडिक है, क्लियर है, बस MCQs में पूछ सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और किसी चीज़ में नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा इससे कोई। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, रिएक्शंस, H2S गैस के रिएक्शंस अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। तो देखो एसिडिक प्रॉपर्टीज तो उसकी होंगी, एसिडिक प्रॉपर्टी में क्या हम देख लेंगे, पानी में मिला देते हैं, अगर पानी में मिला देते हैं, देखो भाई H2S गैस लिया, पानी में डाला इसको स्टेप बाय स्टेप, चूंकि 2H+ है, एक एक स्टेप करके H+ लॉस होगा, पहले एक H+ लॉस होगा, अब वो एक H+ इस वाटर के पास जाएगा तो HS- बन जाएगा और H3O+ बन जाएगा, तो ये हमारे पास एक आयन HS- बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर क्या होगा
दोबारा वाटर से रिएक्शन होगा, एक और एच प्लस जाएगा वाटर के साथ और एस माइनस टू बन जाएगा H3O प्लस। तो इससे हमारे पास ये साबित हुआ कि इसका नेचर एसिडिक है। तो एसिड्स क्या करते हैं, अभी नाइट्रिक एसिड में भी किया था, एसिड अपना एच प्लस लॉस करता है, और अगर दो एच प्लस लॉस कर रहा है तो मल्टीपल स्टेज में करेगा। देखो पहले एक एच प्लस लॉस किया H2S ने अपना, फिर दूसरा एच प्लस लॉस किया उसने अपना, एक साथ दोनों एच प्लस लॉस नहीं होंगे। नाइट्रिक एसिड में चूंकि एक ही एच प्लस था तो एक ही स्टेप में लॉस हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड में फिर क्या करेंगे, दो स्टेप में लॉस करवाएंगे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कितने हाइड्रोजन होते हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं H2SO4। बस तक में आ गई, ये इसकी एसिडिक नेचर शो हो गई कि पानी में डालने पर हर वो चीज़ जो एच प्लस दे वो क्या है, एसिड है, और पानी में डालने पर जो चीज़ OH माइनस दे वो क्या है, बेस है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों, वजह क्या, वजह यह कि आप जानते हैं ना कि सल्फर माइनस टू पे है यहाँ पे। अब सल्फर माइनस टू से ज़्यादा हो सकता है अलग अलग कंपाउंड में, जैसे SO2 में आप देखें तो यहाँ पर सल्फर प्लस फोर हो सकता है, H2SO4 में बात करें तो सल्फर प्लस सिक्स हो सकता है। तो सल्फर अपनी वैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर को H2S की बात करेंगे तो H2S में जो सल्फर है वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता है। और जब खुद को बढ़ाएगा मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। दैट्स वाई H2S क्या हमारे पास है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जिस चीज़ में ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे नाइट्रिक एसिड में क्या आ रहा था, प्लस फाइव आ रहा था ना, याद है किसी को, भूल गए इतनी जल्दी, आज ही तो पढ़ा है, प्लस फाइव आ रहा था, माइनस सिक्स ये रहा, प्लस वन ये रहा, तो ये प्लस फाइव आ गया। तो ये प्लस फाइव होने की वजह से मैं क्या बता रहा था कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करेगा, कम कर सकता है ना, ये प्लस फाइव से ऊपर लेकर नहीं जा सकता, बढ़ा नहीं सकता, लेकिन ये H2S में क्या है, ये अपने आप को बढ़ा सकता है और कम नहीं कर सकता। दैट्स वाई H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब कैसे रिड्यूसिंग एक्शन करेगा, कर लेते हैं जरा, BR के साथ कर लो, ये भी रिएक्शन आते हैं सेक्शन बी में, वो कंप्लीट एंड बैलेंस वाले क्वेश्चन के अंदर। जीरो माइनस प्लस HBr बनेगा, HBr बना और फिर सल्फर अलग हो जाएगा और वाटर बन जाएगा, जीरो चार्ज माइनस, तो सल्फर माइनस टू से ज़ीरो हो गया, खुद रिड्यूस हो गया और ब्रोमीन को उसने, सॉरी खुद ऑक्सीडाइज हो गया और ब्रोमीन को उसने रिड्यूस कर दिया, है ना भाई, ब्रोमीन रिड्यूस हो रहा है जीरो से माइनस वन, और सल्फर क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइज हो रहा है माइनस टू से ज़ीरो, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। इसमें हमने साबित किया कि H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ देखो FeCl3 प्लस H2S, ये माइनस टू है, ये आयरन यहाँ प्लस टू लग, सॉरी प्लस टू नहीं, फेरिक क्लोराइड है ना, प्लस थ्री लगा हुआ है यहाँ पर, अब इसको रिड्यूस कर देगा ये, तो FeCl3 से क्या बन जाएगा, FeCl2 बन जाएगा, सल्फर अलग और HCl अलग हो जाएगा, एक HCl के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस थ्री से प्लस टू हो गया, तो आयरन यहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और सल्फर यहाँ पर फिर से ऑक्सीडाइज हो गया। जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए सामने वाले को रिड्यूस कर दे, वही रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर देखें HNO3 प्लस H2S, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक H2S रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हो रहा है, दोनों ये क्या करेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ये इसको रिड्यूस कर देगा, बात तो वही है। तो नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होगा, NO2 बनता है रिड्यूस हो गया, एक स्टेप पीछे जाएगा, प्लस फोर हो गया ना भी प्लस फाइव से, और H2S में माइनस टू से क्या हो गया, जीरो हो गया और वाटर अलग रिपरेट हो गया। तो यहाँ पर ये आपको क्या फील हो रहा है कि ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, समझ में आ गई बात। तो दोनों ने ये देखो H2SO4 H2S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, दोबारा से सारे एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2S रिड्यूसिंग एजेंट, प्लस सिक्स माइनस टू, सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप को कम करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया प्लस फोर, और ये अपने आप को एक स्टेप बढ़ा लेगा तो माइनस टू से ज़ीरो, सल्फर रह गया और वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ऐसे टू बनेगा सल्फर और वाटर। ये जो रिएक्शंस आप ये सारे देख रहे हैं ना, ये सारे रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन चली है, बेसिक रिएक्शन नहीं है, इसमें जोड़ दो उसमें जोड़ दो, इसमें आप देख सकते हैं एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है। तो H2S इन तमाम में क्या साबित हो रहा है कि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, चूँकि वो खुद को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है और जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसको रिड्यूस कर दे रहा है। सब में ऐसे ही हो रहा है, चेक कर लें।
सब में खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसको रिड्यूस कर रहा है। एनी क्वेश्चन? चारों रिएक्शन आते हैं, ये चारों रिएक्शन आते हैं लाइन से, ठीक है। तो ये अगर मुश्किल है ना तो मुश्किल रिएक्शन तो लाजमी पूछते हैं वो लोग बोर्ड वाले, क्लियर है। ये सब रिएक्शन चारों रिएक्शन कर लेना है, लाजमी छोड़ना नहीं है उसको। दो के आंसर तो मैंने यहाँ लिख दिए, दो के लिखे हुए थे पहले से स्लाइड, क्लियर है। H2S समझ में आ गया, तो ज़्यादा और उसके बारे में कोई बात नहीं है। H2S यहाँ पर ख़त्म हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट सल्फर का थर्ड टॉपिक, सल्फर के तीन टॉपिक हैं, एक एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, एक है H2S और एक आखिरी और सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको किसके थ्रू बनाना है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बनाना है। सबसे बड़ा सवाल यही है, समझ जाओ, सबसे बड़ा टॉपिक चैप्टर 4 का यही है जब स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो बस यही करके जाते हैं चैप्टर 4 में, ओसवाल और कॉन्टैक्ट खत्म, बस और कुछ नहीं। हाँ यस बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सबको पता है कि यही आना है और क्या आना है, बट MCQs फंस जाते हैं फिर उन बच्चों के, वो लेकिन सेक्शन से ही निकाल लेते हैं वो एक सवाल करके, ठीक है। तो ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इस साल आ जाएगा, ठीक है। ओसवाल्ड का चांस फिर भी कम है, कॉन्टैक्ट का ज़्यादा है, इसका चांस ज़्यादा है। ओसवाल्ड का तो फिर भी नाइट्रिक एसिड का चांस वास नहीं है, इसका बहुत चांस है आने का, ठीक है। मतलब 4-5 नंबर ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये आ जाएगा सिंपल सेक्शन सी में। अच्छा, लेकिन हमारा मकसद है समझ लेना, अभी ना जो आएगा नहीं आएगा वो टारगेट पेपर में भी है मेरे, सारा उसमें बता दिया क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो देख लेंगे वहाँ से। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। इसी को हम लोग कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसी को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, चूँकि बड़ा ऑयली टाइप का होता है, ऑयली जैसा होता है, तेल जैसा होता है, गाढ़ा सा होता है, डैट्स वाई इसी को हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। और इसी को किंग ऑफ कंपाउंड्स कहा जाता है, जैसे आम को कहा जाता है ना फलों का बादशाह, द किंग ऑफ फ्रूट्स, बिल्कुल वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड है किंग ऑफ कंपाउंड्स, मुरक्कबात का बादशाह। इसका मतलब ये हुआ कि इससे बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं, इंडस्ट्रियल यूजेज बहुत है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। और किसी भी कंट्री कि अगर इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी को चेक करना है तो हम ये देख लेते हैं कि वो कंपनी सल्फ्यूरिक एसिड कितना कंज्यूम कर रही है। जो ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम करेगी वो उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियली सोफिस्टिकेटेड होगी। तो अगर आपको देखना है कंट्री बहुत आगे है कि नहीं है इंडस्ट्री लेवल में, बस ये देख लो कितना सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रही है वो। तो जो कंट्रीज इंडस्ट्रियली बहुत आगे होती हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इस्तेमाल करती हैं, इसलिए हम उसको बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज भी कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, रीढ़ की हड्डी है ये इंडस्ट्री की। अगर सल्फ्यूरिक एसिड ख़त्म कर दोगे तो सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी दुनिया की, इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। उसको बनाने का तरीका भी बड़ा मुश्किल सा है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उसको। नाइट्रिक एसिड बनाते हैं ओसवाल्ड मेथड से और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। साइंटिस्ट का नाम है ये कॉन्टैक्ट, साइंटिस्ट का नाम है कॉन्टैक्ट, मतलब रापता नहीं है यहाँ से ये कॉन्टैक्ट कर लो इससे, नहीं कॉन्टैक्ट नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो वही बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के 5 स्टेप होते हैं, वन बाय वन सारे स्टेप बता देता हूँ। फिर से बता दो कि ये डायग्राम बनेगी पेपर में, समझा दे रहा हूँ इक्वेशंस वगैरह सारी, लेकिन लिखना आपको है नोट से देखकर, वर्डिंग्स में नहीं बता रहे यहाँ पे कोई भी, बस समझ आ रही है मेरी, वर्डिंग्स में नहीं बता रहा आपको कोई भी, वर्डिंग्स करना आपका काम है, सही है। वो मैं PDF भेज दूंगा, वर्डिंग खुद कर लेना, क्योंकि 3 पेज की तो वर्डिंग है 3 पेज की, ताकि समझाने में अलग टाइम है। सेकेंड ईयर में आती है, एप्टीट्यूड लेवल पे नहीं आती है, मतलब डायग्राम आती है सेकेंड ईयर में उसकी, सेकेंड ईयर की बात कर रहे हो ना, सेक्शन सी या सेक्शन सी डिटेल में आती है ये। ओसवाल्ड मेथड भी डायग्राम के साथ आएगा, जितने भी इंडस्ट्री है ना बच्चों, सॉल्वे प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कास्टन कैलनर सेल, डाउन सेल, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस, नेल्सन सेल, जितने भी इंडस्ट्री आएंगे, सारे तो नहीं आएंगे, कोई एक ही आएगा पेपर में एक दो, सारे डायग्राम के साथ आएंगे।
लगे ना, मुश्किल नहीं है वैसे, डब्बे ही तो है और क्या है, डब्बे ही बने हैं बहुत सारे, समझ लोगे तो ईजी हो जाएगी, लगे ना मुश्किल नहीं है, मैं समझा दूंगा तो आसान हो जाएगा ये, अभी समझ में नहीं आ रहा इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो ए से लेकर जी तक अलग अलग मतलब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वो बने हुए चेंबर्स बने हुए। अच्छा सवाल जरूरी नहीं है इंडस्ट्री पूरा पूरा पूछ लें, डब्बे डब्बे वाली इंडस्ट्री भी पूछते हैं, कभी कभार क्या होता है डायग्राम बना कर दे देते हैं आपको, देखा आपने ए बी सी डी करके, ऐसा भी आया हुआ सवाल फाइव ईयर में, बोलते हैं बताओ ए में क्या चल रहा है, अब बताओ डी में क्या चल रहा है, बताओ एफ में कौन सा रिएक्शन चल रहा है। अच्छा ये बड़ा मसला, ये वाले सवाल बड़े मसले होते हैं, जो हमारा बच्चा चाहता है पूरा पूछ ले बस कुछ भी पूछ ले। अब वो क्या पूछ रहे, ए में बताओ क्या चल रहा है, फिर बोले एफ में बताओ, अब बच्चा पूछा ये भी तो याद कर गए थे क्योंकि पूछे, मतलब बच्चा थोड़ा गुस्सा आता है बच्चे को कि ये क्यों पूछ लिया मुझसे, डब्बे वाले सवाल देखे इस तरह के आप थोड़ा ऐसे पूछते हैं कि आप जो ना वो आपको खंगाल रहे होते हैं वो सर में पेपर में, और पेपर जब आप उठाते हैं तो ऐसा लगता है आपको खंगाल रहे हैं, वो खंगालने से मुराद आपको पूरा हर तरह से चेक कर रहे हैं आपको कितने पानी में होते हैं। पहले पेपर होता था आपको चेक नहीं करते थे, बस वो एक पैटर्न होता था, ये सवाल लिख लो ये सवाल लिख लो ये सवाल, अब तो लगता है पूरा चेक कर रहे हैं बच्चे को कि वाकई में कितना पूरे साल पढ़ा है ये बच्चा, सवाल ऐसा घुमाते हैं पार्ट पार्ट करके दे देते हैं, इसका पार्ट इस पार्ट के ये बताइए इस पार्ट के ये बताइए, तो ये आसान तो इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ जाता है, इसके लिए आपको सारा पढ़ना पड़ जाता है, आप चॉइस में छोड़ ही नहीं पाते कुछ, ये मसला हो जाता है। तो आ जाते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कैसे सल्फ्यूरिक एसिड को बनाएंगे, ठीक है इंडस्ट्रियल मेथड, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं बच्चों। पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन यहाँ पर होगा ए में, स्टेप नंबर वन यहाँ पर होगा ए में, और स्टेप नंबर वन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस स्टेप इज कॉल्ड बर्निंग ऑफ सल्फर। सबसे पहले यहाँ पर ये पाइराइट बर्नर लिखा हुआ है, मैं इसको नाम चेंज करके कर देता हूँ सल्फर बर्नर, आसान हो जाएगा आपके लिए, सल्फर बर्नर है ये, सल्फर जलेगा इसके अंदर, यहाँ से हमने डाल दिया सल्फर और यहाँ से डाल दिया ऑक्सीजन, और दोनों का साथ में रिएक्शन हुआ, सल्फर ने जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बना बच्चों, SO2 गैस बनी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को आगे भेज दिया इन तीन चैम्बर में BCD, इन तीनों चैम्बर को मिलाकर बच्चों क्या कहा जाता है, प्यूरिफिकेशन चैम्बर्स, प्यूरिफिकेशन चैम्बर्स कहलाते हैं ये, प्यूरिफिकेशन चैम्बर्स, इसमें से बी जो है ना ये हमारे कहलाता है दिस इज डस्ट फिल्टर, ये हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड वॉशिंग चैम्बर, और ये हमारे पास कहलाता है ड्राइंग चैम्बर या जस्ट ड्रायर कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास होता है स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टेप नंबर टू में करते हैं प्योरीफिकेशन, यस प्योरीफिकेशन ऑफ SO2 गैस। देखो होती है ना बच्चों, जो SO2 गैस यहाँ से निकली है ये SO2 गैस, ये गैस है इम्प्योर, ये गैस इम्प्योर है, प्योर नहीं है, इसकी इम्प्योरिटी को खत्म, मतलब इसकी इम्प्योरिटी अभी इम्प्योर है, इम्प्योर को अगर हम थर्ड स्टेप में भेजेंगे ना इस टावर में, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट टावर, अगर उसको कॉन्टैक्ट टावर में भेजेंगे तो कॉन्टैक्ट टावर में वेनेडियम पेंटोक्साइड का कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है ना, ये काफ़ी महंगा होता है, ये क्या करता है बच्चों, इस कैटलिस्ट को डैमेज कर देता है, कैटलिस्ट ख़राब कर देता है, तो इसलिए हमें डायरेक्ट सल्फर बर्नर से हम कॉन्टैक्ट टावर में नहीं भेजते, बल्कि सल्फर बर्नर से जो SO2 गैस निकली है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करना पड़ता है, उनको रिमूव कैसे करेंगे, बाय पासिंग इट थ्रू प्यूरिफिकेशन चैम्बर्स, प्यूरिफिकेशन चैम्बर से पास करते हैं, जिसमें तीन चैम्बर हैं, एक आपका डस्ट फिल्टर है, एक आपका वॉशिंग चैम्बर है और एक आपका ड्राइंग चैम्बर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं ये भी ज़रा याद रख लीजिए, दो चीज़ों की इम्प्योरिटी कौन कौन सी है, एक तो डस्ट है इसके साथ, डस्ट, और डस्ट के साथ एक एसिड फॉग भी इसके साथ है, एसिड फॉग और डस्ट, ये दो इम्प्योरिटीज इसके साथ हमारे पास मौजूद होती हैं, एसिड फॉग होता है और डस्ट होता है। डस्ट को रिमूव करने के लिए तो बच्चों डस्ट फिल्टर है, यहाँ बस क्या करते हैं इस SO2 गैस को 5 या 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो क्या होता है जितना भी डस्ट होता है वो सारा डस्ट क्या होता है नीचे बैठ जाता है, सारा डस्ट नीचे बैठ जाता है, और जो SO2 गैस डस्ट फ्री SO2 गैस होती है उसको हम आगे वॉशिंग चैम्बर में भेज देते हैं, तो डस्ट तो रिमूव हो गया लेकिन एसिड फॉग अभी बाकी है। एसिड फॉग ये धुएं टाइप का होता है, धुएं टाइप का होता है, धुंध जैसा होता है ये, तो हम क्या करते हैं ऊपर से पानी का स्प्रे करते हैं,
जब पानी का स्प्रे करते हैं तो एसिड फोक पानी से रिएक्शन करके पानी के साथ मिलकर नीचे आ जाता है, तो जो आपके एसिड फॉग है, एसिड फॉग ये भी रिमूव हो जाता है वॉशिंग चेम्बर में। लेकिन मसला ये हो गया कि जो गैस आपके पास आ गई है ना, ये गैस मॉइस्ट हो गई है, मॉइस्ट मतलब गीली हो गई है, तो गीली गैसेस जल्दी रिएक्शन नहीं करती हैं, फास्टर सूखी गैसेस जल्दी रिएक्शन करती हैं, तो इस मॉइस्ट गैस को क्या करना है, सुखाना है, ड्राई करना है। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ड्रायर यूज़ करेंगे। तो ड्रायर, और ड्रायर हम आपको पता है ड्राइंग एजेंट, अभी आज ही भी बताया सल्फ्यूरिक एसिड होता है ड्राइंग एजेंट, वाटर रिमूविंग कैपेबिलिटी है, नाइट्रिक एसिड से ही खींच रहा था पानी 68% से 98% प्योर करने के लिए, याद है आज ही तो बताया क्लास के स्टार्टिंग में। तो ड्रायर, तो ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल करें, उसके अंदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करें, जो क्या हमारे पास है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड के यहाँ से ना स्प्रे कराते हैं, थोड़े सी अमाउंट में हल्का सा स्प्रे करते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, सारा मॉइस्चर रिमूव कर देता है, और ये हमारे पास क्या हो जाता है, ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे आ जाती है, ड्राई इज प्योर एंड ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये क्या बात है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, वैसी बात है। अब बच्चे कहते सर अभी तो बना ही नहीं, तो यहाँ पर हमने स्प्रे कैसे कर दिया इसका, अच्छा सवाल है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड को इंडस्ट्री में बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका जो ओल्ड मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं लेड चेंबर प्रोसेस, और दूसरा तरीका जो न्यू मेथड है इसको अलग बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। लेड चेंबर इसलिए बैंड हो गया क्योंकि लेड आपको पता है टॉक्सिक होता है, बताया था आज क्लास में, तो लेकिन तो ये वाला इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड ला रहे हैं ना, लेड चेंबर प्रोसेस से पहली बार लाया गया होगा, फिर उसको कॉन्टैक्ट में इस्तेमाल कर लिया गया होगा, बात समझ आ गई। तो दुनिया में पहली बार सल्फ्यूरिक एसिड इससे नहीं बना है, इसके अलावा भी तरीकों से बन चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, मोस्ट फेमस मेथड है, बट इट इज़ नॉट द ओनली मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बस समझ आ गई। तो पंजाब बोर्ड के अंदर हम लोग लेड चेंबर प्रोसेस भी पढ़ते हैं, पंजाब बोर्ड में तो वो तो पढ़ रहा हो, पढ़ता है, सिंध बोर्ड में सिर्फ कॉन्टैक्ट होता है बस एक होता है। तो अब जो SO2 गैस आगे चला गया, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टावर इसका है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट टावर, उसी के नाम पर पूरा प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यहाँ पर होगा हमारे पास अब स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में बच्चों क्या होगा, SO2 गैस को SO3 गैस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीडेशन करके। अभी कैसे किया जाएगा, SO2 गैस है, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे और ये बन जाएगा SO3 गैस प्लस हीट रिलीज हो जाएगी। बट ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल है ना, रिएक्शन देख लो ना, SO2 प्लस O2 रिएक्शन है, रो बैलेंस कर लिया, रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल है, क्या है, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, कैसे पता रिवर्सिबल है, कैसे पता रिवर्सिबल है, अबे एरो लगाया ना, रिवर्सिबल एरो लगाया तो रिवर्सिबल ही होगा, ये रहा ना, ये इरिवर्सिबल एरो है, ये रिवर्सिबल एरो है, तो एरो नहीं दिख रहा, इरिवर्सिबल एरो है ना ये, यस रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों मूव करेगा, फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 पूरा यही है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, KC फाइंड आउट KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद आ रहा है कुछ, यही तो चलता था, उसमें क्या होता था, UDD एरो लगा होता था रिएक्शन में, बात समझ में आ रही है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे पहचान में आता है, डबल हेडेड एरो से, ऐसा एरो लगा होता है, 9 का बच्चा भी जानता है ये पूरे कराची का, ये रिवर्सिबल, तो सेकेंड ईयर में तो लोग डायरेक्ट पता होना चाहिए, मैं ये बताऊँगा तुम लोगों को, तो इतनी मुश्किल मुश्किल प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, यही नहीं पता लग रहा कि ये रिवर्सिबल एरो नहीं, रीज़न नहीं, एरो देखा मैं पूछ रहा हूँ क्यों रिवर्सिबल है ये बता दें, मुश्किल चीज़ मैं आपसे पूछता नहीं, आपको पता है आसानी चीज़ पूछता हूँ, मुश्किल तो मैं खुद बता देता हूँ, ये चीज़ ये। अच्छा ऑक्सीजन बैलेंस है ना, 4, 2, 6 बैलेंस, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में एक बात, इट नेवर गोज टू कंप्लीशन, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, रिएक्शन बीच में कहीं ना कहीं जाकर स्टॉप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम स्टेट,
हर रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट आती है। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बीच में कहीं ना कहीं रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो भाई SO3 गैस बनेगा कैसे, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगा कैसे जब रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं हो रहा। अब अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना है तो फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, अगर आपको याद है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। और यही वो ली चैटलियर प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। चार तरह की चेंजिंग बताई थी उसने, कंसंट्रेशन चेंज, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, कैटलिस्ट चेंज। ये चार तरह की तब्दीली करके हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस की कंटिन्यूस सप्लाई आपको देनी पड़ेगी ताकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहे, कम ना हो। ये कंसंट्रेशन चेंज। दूसरा टेम्परेचर, चूँकि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो रिएक्शन कैसा है, ये वाला एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, तो लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराना पड़ेगा। ये रिएक्शन होगा लगभग समझ लो 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा, 450 डिग्री पर रिएक्शन होगा, ये 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। अच्छा, लो टेम्परेचर पर क्यों कर रहे हैं, चूँकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देन प्रेशर, प्रेशर के लिए क्या देखते हैं, रिएक्टेंट के मोल्स। यहाँ पर टोटल 3 मोल हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मोल हैं। तो अगर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हो तो हाई प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, तो हाई प्रेशर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रेशर हम हाई रखते हैं, हाई प्रेशर, और साथ में रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट होता है V2O5, जिसे कहते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसी वजह से एरो के ऊपर नीचे ये सब कुछ आपको लिखना पड़ जाता है। तो जब आप कॉन्टैक्ट टावर पर जब SO2 गैस पहुँचती है तो वो लो टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 100% SO2 गैस कन्वर्ट किस में हो जाता है, SO3 गैस में, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस में। और सबसे मेन रिएक्शन यही सी जगह चल रहा होता है, कॉन्टैक्ट टावर के अंदर सबसे मेन रिएक्शन चल रहा है SO2 का। इतनी लंबी कहानी क्यों सुनानी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सेबल था। रिवर्सेबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता जब तक के ली चार्टलियर प्रिंसिपल फॉलो ना किया जाए, कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट में जब तक चेंजिंग ना की जाए तब तक रिएक्शन कभी भी फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा। बस समझ में आ गई, तो ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अब SO3 गैस बन गई, उस SO3 गैस को आगे भेजेंगे नेक्स्ट टावर में, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में भेज देंगे और यहाँ पर स्टेप नंबर 4 होगा। और स्टेप नंबर 4 में क्या होगा भाई, फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। अब यहाँ पर ओलियम बन जाएगा। ओलियम किसे कहते हैं, ओलियम होता है H2S2O7। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओलियम, यह हाईली कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ओलियम H2S2O7। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर कि सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर मौजूद होगा टैंक में, उसमें हम SO3 गैस को एब्जॉर्ब करवाएंगे। तो जब SO3 गैस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा H2S2O7, ओलियम। बच्चे कहते हैं कि सर डायरेक्ट इसको पानी डाल के सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं बना ले रहे। बच्चे कहते हैं सर ये SO3 गैस आया ना, आप इसमें H2O डालें तो ये बन गया H2SO4, डायरेक्ट पानी डाल दें SO3 गैस में। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना बच्चों, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से सिंपल जो नाइट्रिक एसिड में बताया था ना, डायरेक्ट पानी नहीं डाल सकते। इसमें भी डायरेक्ट पानी डालेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, तबाह हो जाएगा पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्लोली स्लोली करते हैं। पहले हम उसको ओलियम बनाते हैं, फिर ओलियम में पानी ऐड करते हैं, ठीक है। मेरा बड़ा बेसिक रिएक्शन है यहाँ पर देख रहे हैं। तो SO3 गैस प्याज के अंदर से, प्याज है ना ओनियन, ओनियन जब काटते हैं ना ओनियन के अंदर से निकलती है, प्याज के अंदर से ये गैस निकलती है। और आपकी आँखों में पानी भी होता है, आपको पता है एक्वस ह्यूमर, आँखों में पानी होता है ताकि वो जब आप आंखें बंद करें खोलें ना तो फ्रिक्शन की वजह से आंखें जले नहीं आपके, आंखों के बुटे, तभी अल्लाह ताला ने आंखों में पानी रखा है। तो आंखों में पानी है और जब प्याज काट रहे हैं तो उसमें निकल रहा है क्या,
SO3 SO3 गैस जाती है आपकी आंखों में और पानी से रिएक्शन करके क्या बना लेती है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड आपकी आंखों में बनती है तो आंखों में जलन मचना शुरू हो जाता है, आंखों में जलन मचता है प्यास काटते हुए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आपकी आंखों में बन चुका होता है इस रिएक्शन की वजह से। अब नहीं, आंसू नहीं होते। अब जब थोड़ा सा कुछ मॉलिक्यूल्स बन, ज़्यादा नहीं बनते नहीं तो आँखें पिघल जाएगा, मैं कह थोड़ा सा कुछ मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं तो वो तो एसिड है ना, वो तो हल्का सा नहीं, आँख तो बहुत नाजुक जगह है। कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के और वो आपकी आँखों में जलन मचना शुरू हो जाता है। फिर आपका आँख रद्दअमल के तौर पर क्या करता है, उसको आँख को मतलब ब्रेन ये सेंसेशन देता है भाई कोई फ़ौरन स्पेशी आँख में आ गई है जो ख़तरनाक चीज़ है, तो फ़ौरन से फ्लश करो उसको। तो आपके आपके ब्रेन क्या करता है, उसके रिएक्शन में क्या करता है, वो टेयर्स प्रोड्यूस करता है, टेयर्स आंसू प्रोड्यूस करता है। फिर वो आंसू क्या करती है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड के आपके आंखों से साफ करके बाहर लेकर आती है। वो आंसू पानी ही है लेकिन उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिक्स हैं थोड़े से, तो वो रिएक्शन होता है पानी का सल्फ्यूरिक एसिड के खिलाफ। तो ये पूरा मैकेनिज्म है जो आंखों में प्यास काटते हुए, जब प्यास काटते तो केमिस्ट्री लग रही होती है उसमें। तो ये तो मैं अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वरना बड़ी कहानियाँ होती हैं, आपको पता है कहानी बहुत सुनाता हूँ, लेकिन अभी तो कोर्स खत्म कर रहा था तो कहानी नहीं सुना रहा था आपको, सिर्फ काम की बातें कर रहा हूँ जो पेपर में नंबर लाने के लिए, ठीक है। बट ऐसे बोरिंग भी हो जाता है लेक्चर को, कहानी नहीं सुनता ना तो बोरिंग हो जाता है कहा, इसलिए बच्चों को फिर लगता है सर आप कहानी सही सुनाते हैं, बोरिंग तो नहीं होती ना, या तो बोरिंग हो जा रहा है, कोर्स आप कंप्लीट कर लीजिए रहे, लेकिन इतना दिमाग में रखने की आदत नहीं है ना, कैसे रखेंगे। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में भी कहते हैं कि सर आप बड़ी स्टोरी सुनाते हैं सर, 1000 में से एक बच्चा ऐसा कहता है ना कि सर आप वीडियो में स्टोरी सुनाते रहते हैं सर, टाइम वेस्ट करते हैं हमारा, 1000 में से एक बच्चा। लेकिन फिर उसी को अगर मैं पूरा पढ़ा दूँ ना ऐसे ही, वो भी परेशान हो जाएगा कि सर ये क्या हो रहा है सर, जी केमिस्ट्री में नींद आती है यार, ये ऐसा सब्जेक्ट है, देखो सदब सो रही है वो बोलेगी आप लोग जाग जाओ तुम, ठीक है। तो भाई SO3 गैस पर डायरेक्टली पानी नहीं डाल सकते, इसलिए क्या करते हैं, पहले SO3 गैस में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के ओलियम बनाते हैं, फिर उस ओलियम को आगे बेचते हैं आखिरी टावर में, और उस आखिरी टावर का नाम क्या है भाई, डाइल्यूशन टावर। इस डाइल्यूशन टावर में ऊपर पानी होता है, पानी इसमें ऐड करते हैं, तो H2O7 जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो 2 moles सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिल जाते हैं, वो आप यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बाहर कर देते हैं। तो देखो ओवरऑल प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, सल्फर को जलाया, सल्फर बर्नर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, उसके अंदर था एसिड फॉग और डस्ट, उसको रिमूव करने के लिए प्यूरिफिकेशन चैम्बर से गुजारा स्टेप 2 में। सबसे पहले डस्ट चैम्बर में डस्ट रिमूव हो गया, फिर पानी डाला ऊपर से, एसिड फॉग रिमूव हुआ लेकिन गैस हो गई गीली, उसको भेजा ड्राइंग टावर के अंदर जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे मार के पानी हटा दिया, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया प्योर एंड ड्राई। वो प्योर एंड ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड डाला किसमें, कॉन्टैक्ट टावर के अंदर, जहाँ पर उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO3 गैस बना। लेकिन ये चूंकि रिएक्शन रिवर्सिबल था तो ली चार्टलर प्रिंसिपल फॉलो किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तभी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट विच इज कॉल्ड वेनेडियम पेंटोक्साइड V2O5। फिर उस SO3 गैस को कहाँ डाला, एब्जॉर्प्शन टावर में, जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड को अब्जॉर्ब करवाया गया और बनाया गया ओलियम। उस ओलियम को फिर डाल दिया डाइल्यूशन टावर में, जहाँ पानी ऐड करके उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया गया। समझ में आ गया, ये है कॉन्टैक्ट प्रोसेस ओवरऑल। इतना मुश्किल नहीं है जितना बजाय दिखता है, मतलब प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, पढ़ोगे एक दो बार आ जाएगा। समझ में आ गया सबको, डायग्राम अब डायग्राम मुश्किल नहीं लगेगी, अगर समझ गया तो डायग्राम अब आसान लग रही होगी क्या, है ना, आया था बिल्कुल APC में तो आया हुआ आपके पेपर में, क्लियर है, किया था तुमने ये सवाल, कर लिया था ये सवाल, चलो गुड। कुछ मसला इसमें किसी को, समझ में आ गया सबको कॉन्टैक्ट प्रोसेस, लॉन्ग क्वेश्चन है ये आएगा Section C में और इसके डायग्राम के साथ आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने काफ़ी इतना स्लाइड में किसी टाइम देता नहीं कुछ स्लाइड को, इसको इसलिए दे रहा हूँ कि लॉन्ग है इस वजह से। अब आ जाओ फिर आ जाए MCQ उस पॉइंट आ जाएंगे सारे, ठीक है ओके। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़, मतलब पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, देखने में कैसा है भाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए आज देखा होगा सल्फ्यूरिक एसिड अपने लैब के अंदर, देखा है लैब में, नहीं देखा,
कैसा कलर होता है? कलरलेस होता है, बट हाइग्रोस्कोपिक होता है ना, तो रखे रखे ब्राउन सा हो जाएगा, मतलब प्योर स्टेट में बिल्कुल कलरलेस होता है, वाइट पानी जैसा। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद क्या होता है कि वो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके ब्राउन टाइप का, हल्का सा ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैक तक भी पहुंच जाता है, बट प्योर स्टेट में कलरलेस होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऑडरलेस होता है, स्मेल भी कोई नहीं होती है, ऑयली लिक्विड होता है, तेल जैसा होता है, ऑयली लिक्विड, गाढ़ा सा होता है, इसी वजह से उसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। ऑयली होने की वजह क्या है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन में पूछ सकता है आपसे, बताओ सल्फ्यूरिक एसिड ऑयली क्यों होता है? ऑयली क्यों है? तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सल्फ्यूरिक एसिड में वो स्ट्रॉन्गर है, वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए वाटर से ज़्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी है और वाटर से ज़्यादा इसकी विस्कोसिटी भी है, वाटर से ज़्यादा ये गाढ़ा भी है, ऑयली जैसा है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। भाई पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो जगह पर होती है बस, दो हाइड्रोजन होते हैं, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लेंगे तो वो इस तरह से होता है। H2SO4 तो H2SO4 सॉरी यहाँ पर एक डबल आ जाएगा ऐसे, ओके। H2SO4 में अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 जगह से बॉन्डिंग इसमें हो रही है, तो सल्फ्यूरिक एसिड चूँकि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रख रहा है, दैट्स वाई ये ऑयली है, इसकी इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी पानी से ज़्यादा है, वाटर से ज़्यादा है, क्योंकि वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2SO4 के मुकाबले में वीक है, हल्की है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आया, ठीक। और हाइग्रोस्कोपिक होता है, क्योंकि वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है, तभी इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है, गंधक का तेजाब इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिर एसिडिक प्रॉपर्टीज है, एसिडिक प्रॉपर्टी बेसिक डाई बेसिक एसिड हो गई है, भाई सल्फ्यूरिक एसिड है ना H2SO4, दो हाइड्रोजन है, तो उसकी बेसिसिटी कितनी निकल गई? तो निकल गई डाई बेसिक, या इसको हम डाई प्रोटिक एसिड कह सकते हैं, डाई बेसिक या डाई प्रोटिक एसिड। पानी में डालेंगे तो क्या होगा? H+ रिमूव करेगा, H+ निकालेगा मल्टीपल स्टेजेस में, एक बार एक H+ निकालेगा तो HSO4- + H3O+, दूसरी बार दूसरा निकालेगा H+ तो यह SO4-2 और H3O+। तो एक एक करके दो H+ निकाल सकता है, तभी इसको डाई बेसिक एसिड कह सकते हैं या डाई प्रोटिक एसिड कह सकते हैं। मतलब पानी में डालने पर H+ दे रहा है ना, ये पानी में डाला जैसे ही तो H+ निकाला इसने, दोनों H+ निकाल दिए एक एक करके, तो ये तभी ये एसिड है। एसिड हमेशा पानी में H+ देता है, तो तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ आज ये बताता हूँ। और बेस से रिएक्शन करेंगे तो क्या करेगा? सॉल्ट और वाटर देगा, न्यूट्रलाइजेशन। वो कर नहीं रहा, वो खुद भी कर सकते हो, एसिड बेस का रिएक्शन करो, सॉल्ट वाटर बनेगा, किसी भी बेस से रिएक्शन करेंगे सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक एसिडिक प्रॉपर्टी उसकी है, बाकी उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड में थी ना उसी तरह से इसमें भी हमारे पास कंसंट्रेशन डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। अभी आप उसको ठीक से देखो पहले क्या है। अच्छा पिछला टॉपिक दोबारा से रिवाइज करूँ ना, तो आप कह रहे थे सदफ ये एसिडिक प्रॉपर्टीज, इसको चलो दोबारा बताया था। देखो एसिड्स जो होते हैं ना, एसिड्स के बारे में सिंपल एक बात याद रखें कि एसिड्स क्या होते हैं भाई, H+ डोनर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड्स हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में H+ डोनेट करते हैं, H+ देते हैं, जितने भी एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, कोई भी एसिड आ जाए। जैसे अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4 और उसको पानी में डाला, तब क्या होगा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड अपना एक H+ इस वाटर को दे देगा, तो एक H+ जब निकलेगा तो यहाँ बचेगा क्या? HSO4- + और H3O+ हो जाएगा। इससे ये साबित हो गया कि एसिड था, तभी तो H+ दिया इसने। ये आयन हमारे पास कहलाता है बाईसल्फेट आयन, और ये हमारे पास कहलाता है सेकंड हाइड्रोनियम आयन।
क्या एक हाइड्रो दो हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन इसने दे दिया, H3 हो गया। इसी को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं हम, ठीक है। अभी ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा क्योंकि अभी इसने एक H प्लस लॉस किया, अभी एक H प्लस और लॉस हो सकता है। तो अभी जो HSO4 माइनस है ये वाटर से रिएक्शन करेगा और एक और H प्लस इसको लिबरेट कर देगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा SO4 माइनस 2 हो जाएगा ये, और H3O प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास कौन सा आयन बन गया, सल्फेट आयन बन गया। अब इससे एक चीज़ हमें ये पता लगी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास एक डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है, चूँकि इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी है, 2 है। बेसिसिटी कैसे कहते हैं कि कितना H प्लस एक एसिड दे सकता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड 2H प्लस दे सकता है, तो डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है, इसी को हम लोग कहते हैं डाई प्रोटिक एसिड, भी इसको हम कह सकते हैं डाई प्रोटिक एसिड, ये डाई बेसिक एसिड एक ही बात है। आएगी बात समझ में, आप क्लियर है? यस, हाइड्रोलिसिस एक रिवर्स प्रोसेस ही होता है, हाइड्रोलिसिस का तभी वो रिवर्सेबल रिएक्शन लिखा, फर्क नहीं पड़ता इससे कोई। क्लियर है बाकी को मसला? अच्छा, ये मेन है ऑक्सीडाइजिंग, चूँकि जैसे नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं मेन, वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं वो बहुत मेन है और बहुत ज़रूरी है कि आप उनको समझें। तो देखें, सेम सिनेरियो है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन कम होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नेचर होगी, और जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑफ एसिड होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नेचर होगी। सेम नाइट्रिक एसिड के अंदर जो था वही सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर है, ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करेगा मोर रिएक्टिव मेटल से, तो उससे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब मोर रिएक्टिव मेटल, जिंक लिया और H2SO4 लिया और कैसा लिया, ये डाइल्यूट लिया, तो बस सॉल्ट बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, एक्स्ट्रा कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, बस ZnSO4 बनेगा और H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइमिंग, तो पता थी ना सबको, टाइमिंग किसी के पहले तो नहीं है, टाइमिंग सबके 9 बजे की पता है ना, 9 के, ठीक है। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करेगा मोर रिएक्टिव मेटल से, तो H2S गैस बनेगा। अब अगर कंसंट्रेटेड कर लें इसको, जैसे H2SO4 कंसंट्रेटेड हो जाए, मतलब गाढ़ा हो जाए, पानी कम हो, मतलब कंसंट्रेटेड हो, तो अब क्या होगी कि सॉल्ट बनेगा और साथ में H2S प्लस वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन लेस रिएक्टिव मेटल से करेंगे तो एसिटो गैस बनेगा, जैसे कॉपर प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड। अब क्या बन रहा है भाई, कॉपर सल्फेट तो बनेगा ही और साथ में SO2, देख रहे हो अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग चीज़ें बन रही है, जैसे नाइट्रिक एसिड में हो रहा था। ये आपको याद करना पड़ेगा, घोल के पीना पड़ेगा उसको आपको, इस चीज़ से क्या बन रहा है, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा पेपर में, क्योंकि लिख कर आएगा कंसंट्रेटेड डाइल्यूट जो है, और जो मेटल है वो रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, जैसे कार्बन और सल्फर को। अब कार्बन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बन जाएगा, कि कार्बन को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो CO2 प्लस SO2 प्लस वाटर ये बन जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर सल्फर ऑक्सीडाइज होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिड्यूस होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइज होकर SO2 बनेगा, ये रिड्यूस होकर SO2 बनेगा, तो दो मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के बनेंगे और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन से भी, सल्फर के ऑक्सीडेशन से भी SO2 बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होकर भी SO2 ही बनता है। यहाँ से भी SO2, यहाँ से भी SO2, तो दो मोल SO2 के बन गए और प्लस वाटर बन गया। तो नॉन मेटल्स को भी, जैसे कार्बन और सल्फर, इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, समझ गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमारे ये हो गए सल्फ्यूरिक एसिड, ये आएगा पेपर में, इनमें से कोई एक रिएक्शन तो 100% आएगा, ठीक है। वो देख लेना है बस कौन सी चीज़ किस में क्या बन गई, समझ आ रही है बच्चों सबको?
नाइट्रिक एसिड में भी ऐसे ही था, डिपेंड कर रहा था कब NO2 बनेगा, कब N2O बनेगा, कब NO बनेगा, कब NH4N3 बनेगा। इसमें भी इसमें ज़्यादा नहीं है, बस SO2 है, H2S है और साथ सिर्फ H2 का भी रिलीज होगा, तीन ही है कंडीशन। ये मिटा रहा हूँ इसको, उसके बाद कोई अब मुश्किल है रिएक्शंस कुछ नहीं है। डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है वाटर रिमूव कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। अब जैसे यहाँ से वाटर रिमूव करना हो C12H2O11 सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट कर दोगे तो कार्बन अलग कर देगा, वाटर अलग निकाल देगा ये इसका। देख लो बच्चों, 12 कर दो बैलेंस, यहाँ 11 कर दो बैलेंस, यस बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर जब शुगर के अंदर जब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो उसका वाटर डिहाइड्रेट कर दिया उसने, देखो वाटर रिमूव हो गया। किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, ग्लूकोज से आ जाए मिसाल के तौर पे, ग्लूकोज से आ जाए सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो क्या होगा, 6 कार्बन + 6H2O हो गया रिमूव। और कोई चीज़ों से रिमूव कर सकते हैं बच्चों, अगर आ जाए HCOOH फॉर्मिक एसिड, इसमें अगर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे तो क्या होगा, वाटर रिमूव होगा और सी के बजाय इस बार क्या बच रहा है, CO। ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर रिमूव हुआ इस मॉलिक्यूल से भी फॉर्मिक एसिड से, हुआ कि नहीं हुआ, H2O रिमूव हुआ। एक और आ सकता है COOH बॉन्ड COOH, दिस इज कॉल्ड वाटर एसिड, कौन सा एसिड है ये, ऑक्सैलिक एसिड, यस। अगर ऑक्सैलिक एसिड आपके पास है आप इसके अंदर से वाटर रिमूव करो, एक ये एच किया और मान लो कि ये एच किया और ये OH किया, वाटर निकल गया तो एक CO बना और CO2 बना। तो अगर ऑक्सैलिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के रीहीट करोगे तो क्या होगा कि CO बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर रिमूव होगा। ये सारी जो एक रिएक्शन 1, 2, 3, 4 ये सारे रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, वाटर रिमूव कर सकता है किसी भी मॉलिक्यूल में से, कर रहा है वाटर रिमूव, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। समझ में आ गया, तरीका बता दिया किस तरह से करना है इसको, है ये आता नहीं है, बहुत कम ही रिएक्शन आता है, ऐसे ही बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन ये, बट पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसे है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजेस सल्फ्यूरिक एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड के ज़्यादा नहीं, बस 4 इस्तेमाल आते हैं, बल्कि 4 ही हैं। खाद बनाने में इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइज़र, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों से फर्टिलाइज़र बनाते हैं। वही वाले देखो मैं भूल गया उसमें, जैसे मैं नाइट्रेशन भूल गया था, क्योंकि सल्फोटिनिंग प्रॉपर्टीज़ जो है ना नीचे लिखा हुआ यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ देख लेंगे आ रहा है यहाँ पर। देखो माशाल्लाह ऐसे बच्चे भी क्लास में जो छोटी सी चीज़ रह जा रही है तो वो भी पूछ रहे हैं, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता, मैं हमेशा सब कुछ करा देता हूँ ताकि बच्चे ऐसा नहीं कि कुछ बोले सर ये चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई। और कुछ बच्चों को बस होता है सर इंपॉर्टेंट बताएं बस ख़त्म करें सर, ऐसे ही बच्चे होते हैं, दोनों तरह के बच्चे क्लास में होते हैं, किसको फॉलो करें, बेहतर यही होता है कि सारा पढ़ा दो तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाएगा उसमें, मैं ये तरीका फॉलो कर लेता हूँ। तो इट इज़ यूज टू प्रिपेयर फर्टिलाइज़र, खाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा डिटर्जेंट्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, सर्फ वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ड्राइंग एजेंट बताया ना भी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और चौथा सल्फोनेटिंग एजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, एज अ सल्फोनेटिंग एजेंट। अब सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, याद है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन है ना, उसमें पता होगा आपको SO3 कैसे रिएक्शन करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या निकलता था इसके अंदर, इलेक्ट्रोफाइल SO3H+ निकलता था सल्फोनियामाइन। तो यहाँ एक हाइड्रोजन को हटा कर निकल जाता था इसके साथ आके सल्फोनेशन, तो यहाँ पर क्या होता है कि SO3H बन जाता था, क्या नाम होता था इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये है इसके सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टीज़ के, सल्फोनेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं चैप्टर 7 में किया है, सही क्लियर। तो इसलिए भी मैंने वहाँ नहीं डाला था कि पढ़ी हुई चीज़ थी, डेट्स तो ये 4 यूजेस हो गए इस तरह से इसका, बस क्लोरीन है। ठीक है, फाइनली 7 ग्रुप लास्ट टॉपिक चल रहा है, क्लोरीन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है और बाकी कुछ छोटे मोटे इस्तेमाल, चैप्टर ख़त्म। 8 बज रहे हैं आपके, अभी स्पीड चेक करो तो मेरी बस। ठीक है, अच्छा मैं छोड़ कुछ नहीं रहा, ये भी आप देख लें बुक से, सब बता रहा हूँ A to Z।
इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस बाय नेल्सन सेल। मुझे इससे मोटिवेशन मिली ना, इस तरह के लेक्चर्स मैं इसलिए दे रहा हूँ ना, इंडियन टीचर्स को मैंने देखा भाई चार चार छः छः घंटे के लेक्चर्स डाले हुए, टाइम लगा कर करते हैं वो, मतलब स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं ऊपर और टाइम चल रहा होता है। कभी आप यूट्यूब पे देखना, छः छः घंटे के, आठ आठ घंटे के लेक्चर बना रहे हैं वो कंटिन्यूसली, और वो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इंडियन टीचर्स की। बहुत मुश्किल सवाल आते हैं, हम तो बहुत आसान आसान बातें करते हैं, वो तो इंडिया का कोर्स बड़ा मुश्किल है। मैंने देखा यार वो भी तो कर पा रहे हैं, एक चार चार छः छः घंटे खड़े होकर वो पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं कर पाएंगे यार, वो तो कर रहे हैं ना, और व्यूज़ उनके चेक करो आप मिलियंस में होते हैं भाई। अब सोचो एक चार घंटे छः घंटे की वीडियो और एक मिलियन व्यूज़, वॉच टाइम कितना मिला होगा उससे। देखो ना चलो दो दस सेकंड की शॉर्ट वीडियो शॉर्ट क्लिप है वायरल हो गई तो हज़ार लोगों ने भी देख लिया, तो मिनट के लिहाज से कुछ नहीं है वो, लेकिन अगर छः घंटे की वीडियो को पाँच मिलियन लोग देख ले रहे हैं, कितने देर तक वीडियो वॉच किया गया होगा ये सोचो ना आप, छः घंटे के लिहाज से कितने मिनट्स आ गए होंगे, बहुत बड़ी बात है ये तो। लेकिन देखते हैं लोग, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, वन शॉट लेक्चर मैं ही बना रहा होता नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर, सिंगल शॉट पे इस तरह के वन शॉट लेक्चर्स, बाकी कोई नहीं बनाता। इतना स्टैमिना बनाना बहुत मुश्किल काम है, इतना स्टैमिना रखना बहुत मुश्किल काम है, इतनी नॉलेज रखना भी बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, आसान बात थोड़ी ना है। वो ये कि आपको तो आदत है मुझे देखने की, घर पर टी वी पर मतलब अलग देखते हो तो इतना फील नहीं होता, बट मेहनत लगती है हर चीज़ में, मेहनत है, ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। क्लोरीन गैस Cl2 गैस, सेवन ए ग्रुप का एलिमेंट है क्लोरीन, उसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। क्लोरीन का सिंबल आप जानते हो Cl होता है, किस कलर की गैस होती है क्लोरीन, कलरलेस में ग्रीन होती है, तभी तो क्लोरोस से निकला है ना, क्लोरोस बताया था ना, क्लोरोस, क्लोरोस का मतलब ही होता है ग्रीन कलर। किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था पहली बार, हु डिस्कवर्ड क्लोरीन गैस, शैले, वेल डन, शैले वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड क्लोरीन गैस, और इसी क्लोरीन गैस को हम लोग कहते हैं सैटेनिक एलिमेंट, इसी को सैटेनिक एलिमेंट मतलब शैतानी एलिमेंट कहा जाता है, शैतानी एलिमेंट। क्यों शैतानी एलिमेंट कहते हैं, बिकॉज इससे पॉइजनस गैसेस बनाई जाती हैं, मेजॉरिटी ऑफ पॉइजनस गैसेस जो होती है ना, टेयर गैस, मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन गैस, सब में आपको क्लोरीन कहीं ना कहीं दिखेगा, वो गैसेस जो कि केमिकल वीपन्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, ब्लास्ट वगैरह, केमिकल वीपन्स सुना होगा ना, कीमियाई हथियार शाम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसको, तो तस्वीरें वगैरह आती है ना बच्चे के फला बच्चों पे कीमियाई हथियार का इस्तेमाल किया गया, हिटलर ने, यस हिटलर ने भी केमिकल वीपन्स का इस्तेमाल किया था, उसने हाइड्रोजन साइनाइड यूज़ किया था गैस चैम्बर्स के अंदर, यस बिल्कुल, यहूदियों को मारने के लिए, होलोकास्ट जिसको हम कहते हैं। हिस्ट्री तो तुम्हारी अच्छी है भाई, ठीक है। तो क्लोरीन गैस को बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक तरीका हम चैप्टर थ्री में पढ़ के आ चुके, वो है कास्टनर कैलेनर सेल, वो तो हो गया, उसमें NaOH भी बन रहा था और Cl2 भी बन रहा था, याद है, लोअर कंपार्टमेंट में NaOH निकल रहा था, अपर कंपार्टमेंट में क्लोरीन गैस निकल रही थी, तो उसी तरह से नेल्सन सेल में भी दोनों चीज़ें बन जाएंगी, इससे हम NaOH भी बना सकते हैं, इससे हम क्लोरीन गैस भी बना सकते हैं, दोनों बना लो। और ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, चूँकि मैंने आपको बताया था कास्टनर कैलेनर सेल बैंड हो गया है, क्यों बैंड हो गया है, मरकरी की वजह से, मरकरी टॉक्सिक होता है ना, जहरीला होता है, जिसकी वजह से कास्टनर कैलेनर सेल तो दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन अब नेल्सन सेल से बनाया जाता है जितना भी क्लोरीन गैस बनता है, ठीक है जी। तो नेल्सन सेल साइंटिस्ट का नाम होगा नेल्सन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पाँच चीज़ें तो होंगी, एनोड, कैथोड, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट। अब डिज़ाइन अलग अलग है सबका, कोई डाउन सेल बन गया, कोई कास्टनर कैलेनर सेल बन गया, कोई हॉल हेरॉल्ड सेल बन गया, कोई नेल्सन सेल बन गया, कोई कास्टनर कैलेनर सेल बन गया, सब में काम एक ही हो रहा है, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी लगी, करंट पास कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा, काम करता हूँ, यही होता है ना भाई सेल में जितने भी होते हैं। तो नेल्सन सेल किस चीज़ से बना हुआ है भाई, एक यू शेप का स्टील कैथोड है ना, देखो यू शेप का इस तरह से, देखिए यू शेप का इस तरह से आप देख सकते हैं, स्टील कंटेनर है जिसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा गया है, तो ये कैथोड नहीं है बल्कि ये क्या है भाई, सॉरी एनोड नहीं है बल्कि क्या है, कैथोड है, ये बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया, पूरा कैथोड हो गया, और इसके साथ एस्बेस्टॉस की लाइनिंग कर दी गई है ताकि आइंस वगैरह इससे पास ना हो सके, एक चीज़ पास हो एक चीज़ रुक जाए, एस्बेस्टॉस लाइनिंग कर दी गई है,
और इसके ऊपर इसके अंदर हमने यहाँ से NaCl डाल दिया जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl असल ये NaCl नहीं है, ब्राइन है ये। ब्राइन तो पता ही ना, नमक पानी का महलूल है। वो इसके अंदर डाल रहे और उस पर डिप कर दिया गया कार्बन का एक रॉड, मतलब ग्रेफाइट रॉड, और बैटरी का प्लस से जोड़ दिया तो ये कार्बन का एनोड हो गया ये। और बिल्कुल नीचे वाटर ट्रफ, एक पानी का टब लगा दिया गया जिसके नीचे पानी भर दिया गया, उसके अंदर पानी है, वाटर है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या होगी भाई, करंट मतलब आयोनाइज, सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, आयोनाइजेशन। सबसे पहला आयोनाइजेशन होती है, सेल रिएक्शंस लिखेंगे ना, सेल रिएक्शंस। सबसे पहले होगी आयोनाइजेशन। NaCl जो है वो ब्रेक होगा किसमें भाई, दो आइंस में ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, पक्की बात है। तो Na प्लस अलग हो गया और Cl माइनस अलग हो गया, आयोनाइजेशन हो गई। पानी में डालने पर आपको पता है सॉल्ट आयोनाइज हो जाता है। सेकंड स्टेप उसके बाद रिएक्शन कहाँ लिख दें, पहले लिख देते हैं एनोड पर लिख देते हैं। ठीक है, एनोड पर हमेशा क्या होती है, कई बार बता चुका, ऑक्सीडेशन होती है। और ऑक्सीडेशन के क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। यस, तो सी एल नेगेटिव आइन यहाँ जाएगा, है ना भाई, सी एल नेगेटिव आइन इधर पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो सी एल नेगेटिव आइन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके सी एल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है गैसेज डायटोमिक स्टेट में होती हैं, या सी एल टू, टू इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, दो क्लोराइड आइन चाहिए होंगे। और यहाँ से ग्रीन कलर की क्लोरीन गैस, ग्रीन कलर की यहाँ से गैस बाहर निकल जाएगी, सी एल टू गैस। ठीक है, ये तो क्लोरीन गैस आपने देखी थी, क्लोरीन गैस किस तरह से बाहर निकली। अब आ जाते हैं कहाँ रिएक्शन होगा, अब अगला रिएक्शन, रिएक्शन एट कैथोड पर होगा। कैथोड पर हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा ना भैया, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ जी। ठीक है, तो Na प्लस जाएगा यहाँ पर, जो पूरा जो यू शेप का ट्यूब है उसी को बैटरी के नेटवर्क से जोड़ा ना, कैथोड। तो Na प्लस यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेट करके क्या बन जाएगा, सोडियम मेटल बन जाएगा। अब ये सोडियम मेटल इससे ना, ये सोडियम मेटल देखो यहाँ पर ड्रॉप होकर नीचे पानी में गिर जाएगा, पानी पानी में गिरेगा। अब सोडियम मेटल जब पानी में गिरेगा, देखो बच्चों पानी में जब गिरेगा तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ से वाटर हमने डाला, स्टीम डाला, स्टीम मतलब H2O ही होता है ना भाई, भाप। यहाँ से H2O डाला और यहाँ से सोडियम से रिएक्शन हुआ, तो सोडियम ने H2O से रिएक्शन किया तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, मतलब कास्टिक सोडा बन गया। तो सही साबित हुआ कि नेल्सन सेल के अंदर हम दोनों चीज़ें बना सकते हैं, क्लोरीन गैस भी बना सकते हैं, ऊपर और नीचे वाटर ट्रफ में क्या बन रहा है, NaOH कास्टिक सोडा। बस हो गया नेल्सन सेल। तो मैं सब कैसे काम हुआ, प्रोसेस किया, मतलब कास्टिंग के अंदर वाले काम हो रहा है बट डिज़ाइनिंग अलग है। वहाँ पर भी तो ऐसे कुछ हो रहा था कि जो एमलगम बना था उसको पानी में डाल दे रहे थे तो NaOH बन जा रहा था, तो वही चीज़ है, Na जो बना पानी में डाल दिया उसको, उससे रास्ता आया, पोरस, पोरस है ना, ये पोरस सोचता है नहीं, पोरस मतलब छोटे छोटे सुराख हैं, तो उससे ये गिर जाएगा नीचे, नीचे गिरेगा तो पानी में गिरेगा, पानी में गिरेगा तो NaOH के साथ NaOH बन जाएगा। क्लियर है भाई, तो मसला डायग्राम में, लॉन्ग क्वेश्चन है, सेक्शन सी में आएगा, डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। वर्डिंग नोट्स भेजूंगा, देख लेना वहाँ से, वर्डिंग मैंने कहीं नहीं लिखा अभी इसके अंदर, सिर्फ डायग्राम समझा रहा था और सेल रिएक्शन। वर्डिंग तो अगर डायग्राम से ही समझ रहा तो वर्डिंग खुद से भी लिख सकते हैं अगर आता है लिखना, तो मतलब बात इसी को तो एक्सप्लेन करना होता है, वर्डिंग और क्या करना होता है। लेकिन बच्चे डरते हैं ना थोड़ा सा कि नहीं सर नोट से, नोट से, तो नोट से याद कर लेना। ठीक है, मर्जी होती है आपकी, आप जैसे भी कर लो। वैसे टाइम बचाने का तरीका तो ये, खुद से लिख लें इंसान, कॉन्फिडेंस रख के थोड़ा सा। केमिकल प्रॉपर्टी बस एक है, सिर्फ एक, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। भाई क्लोरीन को पानी में डालोगे तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक रिड्यूस हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ देखो, Cl2 है, पानी में डालेंगे क्या रिएक्शन होगा ये बताना है, बहुत आसान रिएक्शन है, दो चीज़ें बनेंगी। यस, इस तरह से तोड़ लो उसको, ऐसे तोड़ लो, दो चीज़ें बनी, क्लोरीन वाटर होता है ना यही, याद है क्लोरीन वाटर, तो एक तो HCl बनेगा और एक क्या बनेगा, HOCl। HCl तो सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HOCl क्या होता है, हाइपोक्लोरस एसिड। तो बस इसमें यहाँ पर आप देख लो, 0-0 चार्ज था ना शुरू में, तो 0-0 चार्ज था,
रिएक्शन के बाद यहाँ पर Cl-1 आ गया, यहाँ पर Cl+1 आ गया। तो एक क्लोरीन आप देख सकते हैं 0 से -1 गया, मतलब रिड्यूस हो गया, और एक क्लोरीन 0 से +1 मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। तभी हम इसको ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो गया, रिड्यूस भी हो गया। जब पानी में क्लोरीन गैस डालते हैं तो HCl-HOCl दोनों बनता है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाती है एक ही मॉलिक्यूल के साथ। Cl2 में एक Cl ऑक्सीडाइज, एक Cl रिड्यूस। समझ में आ गया ये रिएक्शन, ही वाला बेसिक रिएक्शन है। मतलब इस तरह से ब्रेक करके कर लोगे आराम से हो जाएगा। Cl-Cl और HOH में ब्रेक करके जोड़ दो, लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। आखिरी चीज़ है यूजेस क्लोरीन गैस की। ठीक है, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हो सकता है? MCQs में आ सकेगा, MCQs में आ जाएगा। इट इज़ यूज्ड टू मेक CCl4 एंड क्लोरोफॉर्म विच आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3 होता है। क्लोरीन गैस से बनाते हैं CCl4, CHCl3 कब बनाते, कैसे बनाते हैं? जब मीथेन का रिएक्शन Cl2 से, याद है सबको ये रिएक्शन, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन 4 स्टेप में होता है। इसमें 3rd स्टेप में क्लोरोफॉर्म बनता है, 4th स्टेप में CCl4 बनता है। याद है, एक हाइड्रोजन निकलता है, एक क्लोरीन बढ़ता है, एक हाइड्रोजन निकलता है, एक क्लोरीन बढ़ता है। अच्छा, तो ये पहला चीज़ तो यही हो गया कि उसमें CCl4 और क्लोरोफॉर्म बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। PVC बना सकते हैं इससे। PVC किसके होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक होता है ये, तो उसमें भी क्लोरीन होता है ना। याद है, इथाइन का रिएक्शन Cl2 से करते हैं, तब जाकर ये बनता है PVC। इट इज़ यूज टू मेक पेस्टिसाइड, कीड़े मार दवाएं बनाते हैं इससे, जैसा कि हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। याद है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, बेंजीन का रिएक्शन हम किससे कराते थे? Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सारा बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाता था और ऐसे 6 Cl आ जाता था। याद है, आ रहा है किसी को? ये हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये बताया था, इंसेक्टिसाइड होता है ये, कीड़े मार दवाई, मोर्टीन के अंदर होता है। और साथ में एक DDT भी होता है। DDT तो बैंड हो गया है, स्ट्रक्चर ये रहा DDT का, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। सुना होगा आपने, मच्छर वगैरह मारने के लिए DDT इस्तेमाल किया जाता था। DDT, यस, वो स्प्रे करती थी उससे, यस, वो जब कोरोना वगैरह के टाइम पे शायद ऐसा था। तो DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसको हम कहते हैं DDT। टॉक्सिक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है, सांस लेने में मुश्किल आती है। देखो ना, जब सांस नहीं ले आ रही थी, जब आ रही थी दम घुटता था उससे, इस वजह से बैंड किया गया। ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोरीन को, मतलब ब्लीचिंग से मराद बताया था, कलर रिमूव करने के लिए कपड़ों से, एज अ ब्लीचिंग एजेंट। पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल है क्लोरीन का, तो सबको पता है, स्विमिंग पूल वगैरह में नहीं साफ करते पानी, ठीक है, क्लोरीनेटेड वाटर जो होता है, कलर उड़ जाता है कपड़ों का, कलर ही उड़ जाता है उसकी वजह से, क्योंकि वो ब्लीचिंग एक्शन कर रहा होता है। ऐसे ही होता है ना भाई, स्विमिंग पूल के पानी से। अच्छा, नेक्स्ट है, इट इज़ यूज इन लेयर टेस्ट ऑफ ब्रोमीन आयोडीन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेयर टेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी को याद हो तो, कॉलेज में किया है तो याद होगा। ऐसे 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए, एक में हमने ब्रोमीन का सॉल्ट डाल दिया और एक में हमने आयोडीन का सॉल्ट डाल दिया, और दोनों का सोल्यूशन बना हुआ है। किस में ब्रोमीन, किस में आयोडीन, चेक करना है। याद एक तरीका, इसके अंदर पहले CCl4 डालते हैं और उसके साथ या तो क्लोरीन वाटर डाल दें और उसको शेक करते हैं। शेक करने से एक लेयर बन जाती है, इसमें ब्राउन लेयर बन जाती है ब्रोमीन के लिए, और आयोडीन के लिए कौन सी, वायलेट कलर के लिए एक लेयर बन जाती है, पूरी एक लेयर। याद है, वो देखते हैं तो लेयर वायलेट आ गए तो बोलते हैं आयोडीन है, और ब्राउन टाइप की लेयर आ गए तो बोलते हैं ब्रोमीन है। तो ये लेयर टेस्ट कहलाता है, ये किया होगा कॉलेज में। तो लेयर टेस्ट करने के लिए भी हम जो है वो क्लोरीन वाटर को इस्तेमाल करते हैं, Cl को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स इट। एक मिनट, तो ये चैप्टर 4 यहाँ पर हमारा क्लोज हो गया कंप्लीट। ठीक है, ओवरऑल।